हमारे वीडियो मसीहों के लिए बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुँचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा का दान मिलने के लिए जिस व्यक्ति को इस्तेमाल किया गया, जो व्यक्ति से वापस परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि जा याफा में जाकर तू किसे बुला इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकोब, उसका भाई यहूदा। त्याच्या 12 शिष्यांची नावे ही शिमोन याला पेत्र असेही म्हणत, पेत्राचा भाऊ अंद्रिया, जब्दीचा पुत्र याकोब, याकोबचा भाऊ यहूदा। बुद्धिमान कर चालाक बनाकर हमें शाप करता है, हमें तेज करता है और हमें भटकाने में आने न देने के लिए आपके वचन का जल छिड़क कर हमें सुरक्षित रखता है। ऐसा हमें बनाता है कि हम मसीह में जड़ पकड़ पाए, क्योंकि इसलिए प्रभु वचन हम ध्यान से सुने और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। धन्यवाद दीजिए यीशु के नाम से। आमीन। हम यहाँ देखते हैं कि 10वें अध्याय में लिखा है पहला परमेश्वर ने शिमोन को चुना। आणि इथे आपण 9वें अध्याय मध्ये बघतो की पहिला देवाने शिमोनला निवडले। पतरस का नाम पहले शिमोन था। आणि पेत्राचं नाव पहिले शिमोन होतं। उसके पिता का नाम योना है। त्याच्या वडिलांचं नाव योना है। आप मॅथ्यू चॅप्टर 16 में पढ़ सकते हैं जहां प्रभु का वचन कहता है हे योना के पुत्र। आणि मत्ती अध्याय 16 मध्ये जो वचन तर किती म्हणण्यात आलं हे योनाचा पुत्र। हिब्रू भाषेत कैफा बोला गया है क्योंकि 16वें अध्याय में परमेश्वर ने उसका नाम पतरस कर दिया। आणि हिब्रू उसको पहला पत्थर बोला गया जो यीशु ने जो नींव बनाई उस नींव पर जो कलीसिया बनाने के लिए पहला चुना गया वो पहला पत्थर वो है पतरस यानी शिमोन। येशू ख्रिस्ताने जो पाया घातला होता त्याच्यामध्ये जो सर्वात पहिले दगड आहे तो म्हणजे शिमोन म्हणजे पेत्र। और उसे हिब्रू भाषा में कैफा कहते हैं। कैफा का नाम भी पत्थर है। आणि हिब्रू मध्ये त्याला कैफा म्हणतात आणि कैफेचा अर्थ आहे सुद्धा पत्थर पत्थर आहे दगड। इसलिए मैं तुझे ऐसा चुनूंगा आणि मी तुला असं निवडेन की मेरी जो मैं तो नीव बना दूंगा आणि मी तो पाया बनवून घेईन उसके ऊपर जो कलीसिया बनानी है पण त्याच्यावरती जी मंडळी बनवायची आहे मी पहिला पत्थर मैं तुझे पहिला चुनूंगा त्याच्यासाठी पहिला दगड मी तुला म्हणून इसीलिए येशू के सारे येशू के पीछे जब शिष्य
आहे येशूने जो येशू को पहिला शिष्य मिला वो आंद्रियासा आणि येशूला जो पहिला शिष्य भेटला तो आंद्रियास होता फिलिपियुसचा दुसरा फिलिपी होता लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला शिमोन है आणि इथे आपण पहिले वचन बघतो की पहिले शिमोन आहे उसे अपना शिष्य बोलने के लिए प्रेरित बोलने के लिए जो उसने चुना वो शिमोन को यानी पत्रस को चुना आणि स्वतः शिष्य म्हणून घेण्यासाठी त्याने सर्वात पहिले शिमोनाची निवड पत्रस हे नाम 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर पहला लिखा भी हुआ है 10 अध्याय में क्योंकि देखो पत्री बाद में लिखी गई आणि तुम्ही इथे वाचू शकता की वगैरे नाव शिमोन लिहिण्यात आलं पत्री नंतर लिहिण्यामध्ये आहे यहाँ पण पत्रच लिखा गया आणि इथे पेत्र लिहिण्यात आले पत्रच हे नाव कोणत्या अध्याय में 16 अध्याय में आणि पेत्र हे नाव कोणत्या अध्याय में 16 अध्याय लेकिन यहाँ पर पत्रच क्यों डाल दिया आणि इथे पेत्र का टाकले नाही ऑलरेडी येशू मसीह का उठाए जाना हो चुका था स्वर्ग चले गए थे उसके बाद मती ने ये पत्री लिखी थी मती यानी लेवी जिसे परमेश्वर ने चुना आणि येशू ख्रिस्त उतरला गेला होता आणि त्याच्यानंतर ही मती म्हणजे तो लेवी त्याने पत्री लिहिली होती आप आगे जाके पढ़ सकते हैं कि लेवी बोलतो दुसरे उसके दो नाम हर एक को दो दो नाम है आणि प्रत्येकाला दोन दोन नाव आहे हर एक को प्रत्येकाला यहाँ तक याकोब के जब्दी के जो दो पुत्र है उनको भी दो नाम है आणि जब्दी के जो दोन पुत्र है त्यांनाही दोन नाव आहे परमेश्वर ने नामों का अर्थ मतलब उनके कार्य के अनुसार रखा आणि देवाने त्यांचे नाव त्यांच्या कार्यानुसार त्यांचे नाव ठेवले नाम रखते समय परमेश्वर हमें ये बताता है कि हम ऐसा नाम रखे जिसे उनके से वो काम हो जाए परमेश्वर के राज्य में आणि या नावांच्या करिता आपल्याला शिकवले की अशी नाव ठेवायचे की त्यांच्याद्वारे ती लोक तशीच काम करते कुछ उपयोग नहीं था लेकिन पत्र से बहुत उपयोग था क्योंकि वो कलीसिया का पहला पत्र बनने वाला था आणि शिमोनाचे काही उपयोग नव्हता पण पेत्र से उपयोग होता कारण तो मंडळीचा पहिला दगड बनला होता वो लोगों को प्रचार करने वाला पहला प्रवक्ता रहेगा पहला प्रचार करने वाला परमेश्वर का प्रेरित रहेगा आणि तो पहला प्रचार करणारा असा देवाचा पहिला प्रेरित असेल हाँ इसी कारण से उसका नाम पत्र रखा त्याचं नाव पत्र ठेवून झालं इसीलिए यीशु ने वो नाम चेंज किया और यीशु ने नाम चेंज किया अपने बच्चों का नाम या खुद का नाम रखते समय ऐसा नाम रखो जिसे क्या होना चाहिए कि जिसे परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होना चाहिए आणि स्वतः समय आपल्या मुलांचं नाव अशा पद्धतीने ठेवा की देवाच्या राज्यामध्ये त्यांचा उपयोग झाला हमने योशुआ का नाम इसीलिए रखा था आणि यशोदा नाम याच्यासाठी ठेवला कोई भी उसका नाम ले तो ऐसा बोलना चाहिए परम यहोवा उद्धार करता है आणि कोणी जर त्याचं नाव घेतलं तर असं म्हणणं झालं पाहिजे की देव ते कारण करणार आहे परमेश्वर उद्धार करणे वाला देव कारण तो इसीलिए उसके द्वारा भी परमेश्वर क्या करेगा उसके द्वारा भी उपयोग करेगा कि उसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे आणि जैसा देव असा वापर करेल की त्याच्याद्वारे लोक तारण प्राप्त करतात तो हमें नाम ऐसा ही आता है इवन हम मसीह होने के नाते अभी हम येशु में है इसीलिए जिसको सेवा के लिए चुना गया रहता है जिसको परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है वही नाम चेंज करे बाकी के अन्य लोग नाम चेंज न करे आणि जरा देव सेवेसाठी बोलतो तर त्याच व्यक्तीने नाव चेंज केलं पाहिजे नाही तर कोणीही नाव चेंज नाही करायचं या फिर अगर आपको ऐसा लगता है मेरा नाम मुझे बराबर नहीं है तो ही नाम चेंज करो लेकिन वो भी येशु की परमिशन होना चाहिए यहाँ हम देखते पत्रस का नाम चेंज हुआ याकोब और यूहन्ना को गर्जन के पुत्र बोले गए ऐसे उनको जो अलग अलग नाम दिए गए उनका नाम येशु ने अलाउ किया येशु ने बोला तो हमारे नाम भी हमें चेंज करना ही क्या तो ये परमेश्वर से पहले परमिशन होनी चाहिए हमारे दिल में आया अरे पौलुस का नाम पहले शौल था इसी मैंने अभी पौल रखा तो इसने जब नाम चेंज किया तो मैं भी नाम चेंज हो गया नहीं हम पहले अपने नाम चेंज करने से पहले परमेश्वर से परमिशन पूछना कि प्रभु तू चाहता है क्या देखो परमेश्वर हमें हमारे ही नाम से पहचानता है हमें आणि शिष्यांचं नाव जसं चेंज झालं तसं आपण म्हणू की ना त्यांना देवाची परवानगी होती म्हणून त्यांचं नाव चेंज झालं मग तसं आपल्याला जर नाव चेंज करायचं देवाची परवानगी त्याच्यामध्ये लागतो येशूचे पहिले आपो अलाव होण्याची परमिशन मिळण्याची हा बाबा तू नाव चेंज करू आणि येशू म्हणून तुम्हाला परवानगी भेटली पाहिजे की हा तुम्ही नाव बदला नाही तर आपला जो नाव आहे नाही तर तुमचं जे काही नाव आहे उस नामचे त्या नावाने तो तुम्हाला ओळखतो परमेश्वरने भी आपको ऑलरेडी यो नाम दे चुका है आणि देवाने तुम्हाला हे पहिलंच नाव दिलेलं आहे नाम चेंज करण्याची कोई जरूरत नाही सेवकों को खास करके कभी कभी देखो यहाँ हम देखते कभी कभी कुछ सेवक लोग जो आउटरीच के लिए जाते हैं प्रचार के लिए जाते हैं जब उनको नाम चेंज होता है तो उन लोग बोलता है तो क्रिश्चियन से ही है इसलिए यीशु के बारे में बताता है आणि सेवकांचं जेव्हा नाव बदलतं तेव्हा ते लोक काय म्हणतात की जर लोक तर क्रिश्चन्स आहे ते लोक म्हणून हे लोक येशू बद्दल सांगतात तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते आणि ते समस्या क्रिएट नाही होते लेकिन बताने वाला ऐसा नहीं बोलना चाहिए पण सांगणाऱ्याने असं नाही सांगितलं मेरा नाम पहिले मेघा था माझं नाव पहिले मेघा ग्रेस आहे आता ग्रेस आहे ऐसा नहीं बोलना असं नाही बोलतो वहा लोक बोलेंगे अच्छा तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं मग ती लोक तिथे म्हणतील की अच्छा ही लोक धर्म परिवर्तन करतात ऐसे भी बहुत सारे इसलिए अभी हम अंतिम दिन में जी रहे हैं इसलिए येशू ने जो कहा तुम सांप के नहीं
चालाक आणि आता अंतिम काळामध्ये आपण जगत आहोत म्हणून आपण सारखं चालत राहिलो. हमें कहां बताना है कि मैं कौन से धर्म से था, कौन से जाति से धर्म नहीं, कौन से जाति से था. आणि आपल्याला सांगायचं की आपण कोणत्या जातीतून होतो. हा पण किधर बताना हे मालूम होना चाहिए. आणि कुठे सांगायचं हे माहित असलं पाहिजे. कहां बताना है कुठे सांगायचं हे होना चाहिए, बता ज्ञान होना चाहिए. आणि हे जो ज्ञान तुम्हाला असलं पाहिजे. हम विश्वासियों के बीच में जो बोलते कि मैं इस धर्म से था, मैं इस जाति से था, तब बात अलग है. आणि जेव्हा आपण विश्वासी लोकांमध्ये म्हणतो की आम्ही या जातीतून होतो, त्या धर्मातून होतो, तर ते ठीक आहे. लेकिन आज हम अंतिम दिन में जीने के कारण पण आता आपण अंतिम काळामध्ये जगतो. एकदम मिसअंडरस्टँडिंग हो चुका है की उनको ऐसा लगता है की ख्रिश्चन लोक धर्म परिवर्तन. आणि लोकांमध्ये गलतफहमी पसरलेली आहे की ख्रिस्ती लोक धर्म परिवर्तन. बोलोगे आणि तुम्ही त्यांच्यामध्ये जर जाऊन बोललात आपली गट नाही आहे, ताकद नाही आहे, आणि जर तुमच्यामध्ये हिंमत नाही तर आपली उपर भी प्रॉब्लेम क्रिएट करू की हमारे उपर भी लावू. तर तुम्ही स्वतःवरती पण समस्या उघडून आणा आणि आमच्यावरती म्हणा. एकही बात बोलो, आप कोण से जाती के वही बोलो, नाही तो ख्रिश्चन बोलो. आणि तुम्ही कोणत्या जातीचे ते सांगा, नाहीतर मग तुम्ही ख्रिस्ती म्हणा. कोई दो जाति तो नहीं बढ़ाया करते, कोई एक व्यक्ति एक नर और नारी दोनों नहीं रह सकता है ना. अंदर और नारी दोनों नहीं, दो भी नहीं सुन हो सकता है. मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं बोल सकती हूँ क्या. अंदर और नारी ऐसा बोल सकती हूँ क्या. बोल सकती का कुछ तो एक ही बोलना पड़ेगा. मैं नारी हूँ, नारी बोलना पड़ेगा. काहीतरी एकच सांगावं लागेल. मी नारी तर मला नारीच बोलावं लागेल. यही मुझे, मैं भले पास्टर होगी तो भी मुझे नारी नहीं यही शब्द बोलना पड़ेगा. आणि मी जरी पास्टर असेल तरी पण मी नारी हेच मला सांगावं लागेल. हे कन्फर्म करके लेना की आप बाबा है कोण. आणि तुम्ही कन्फर्म करून घ्यायचं की तुम्ही आहात कोण. इधर आते हैं बैठते सालों साल बैठने वाले लोग भी अभी भी क्रिश्चियंस नहीं बोलते. आणि ते येतात आणि वर्षानुवर्ष बसून ते वचन ऐकतात तरी पण ते लोक स्वतःला ख्रिस्ती नाही म्हणून घेत. ही सबसे बड़ी दुखी बात है. आणि एक सर्वात मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. ये लोगों को खेलने के लिए, लोगों को सताव करने के लिए तकलीफ मौका मिलता है. म्हणून लोकांना सतावण्यासाठी आणि लोकांना खेळण्यासाठी संधी भेटते. म्हणून शिष्य थे, बहुत लोग थे उनमें. प्रभु ने बहुत थोड़े समय के बाद जब प्रभु ने उसके पीछे बहुत लोग हो गए, बहुत सारे शिष्य हुए, उनमें से प्रेरितों को काम चुनने के लिए पहला बोला शिमोन आजा. आणि त्याच्याकडे खूप लोक होते, खूप शिष्य होते, पण त्याच्यामधून पहिले देवाने शिमोनाला बोलवलं, नंतर त्याच्या भावाला बोलवलं. पहिले उसका भाई था आणि जबकि पहिले त्याचा भाऊ होता. यहोवा के अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, यहोवाच्या अध्यायात तुम्ही वाचू शकता. फिर हम देखते हैं कि याकूब, नंतर याकूब, यहोन्ना, योहान, और जो पहिले सेकंड नंबर पर फिलिपस था वो अभी कौन से नंबर पर गया, फिफ्थ नंबर पर. आणि दुसऱ्या नंबर वरती फिलिप होतो, पण आता पाचव्या नंबर वरती गेलाय. तो आपको समझ में आया. हम यहाँ देखते हैं स्पष्ट रीति से कि आज हम शिमोन फैमिली के बारे में यानी पत्रस की फैमिली के बारे में देखते हैं. आज आपण शिमोन म्हणजे पेत्राच्या कुटुंबाबद्दल बघणार आहोत. एक मछुआरा आहे आणि तो एक मासे मारणारा आहे. मछुआरा होणे के कारण आणि मासे मारणारा असल्यामुळे पाप की जिंदगी जी रहा था. तो पापा से जीवन जगत होता. उसका जीवन पाप में था. तो जीवन पापों में होता. पाप में वो रह रहा था. पापों में तो रहा होता. गाली देना, आशीर्वाद देना, चोरी करना, चोरी करना, कर न भरना, आणि कर न भरना, और दारू पीना, दारू पीना, ऐसा उसका लाइफ था. आणि असं त्याचं जीवन होतं. और यहाँ तक कि वो यहूदा गोत्र में से है लेकिन उसकी उसको कोई फिक्र नहीं थी. आणि इथपर्यंत तो यहूदा गोत्र तो नाही, पण त्याला त्याची काही काळजी नाही. म्हणजे कोई आहे की मी यहूदा गोत्र से हूँ. आणि त्याला काहीच वाटत होतं की मी एक यहूदा गोत्र नाम वंश में से हूँ. मी निवडलेल्या वंशातून आहे. ऐसा 12 गोत्र में से जो सबसे अच्छा गोत्र जिसमें से मसीहा आने वाला है उस गोत्र में से मैं हूँ. आणि 12 गोत्रामधून जे चांगलं गोत्र आहे ज्याच्यामध्ये येशू ख्रिस्त येणार आहे त्या गोत्रातून मी आहे. उसे कोई फिक्र नाही. त्याला त्याची काही परवा नव्हती. उसे इतना ही मालूम था कमाना है, रोमियों का कर भरना है, घर चलाना है. आणि त्याला फक्त एवढं माहिती होतं की कमवायचं आहे, रोमी लोकांचा कर भरायचा आहे. कमावूंगा तो मैं रोमियों का, क्योंकि वो समय रोमी साम्राज्य था. आणि त्यावेळेमध्ये रोमीचं साम्राज्य होतं. रोमी लोकांनी कर डाला, कर कर का कर भरने का लॉ चालू किया था, रूल किया था. आणि रोमी लोकांनी कर भरण्याचा नियम चालू केला होता. मंदिर में जाने वाले लोगों को भी कर भरना था. आणि मंदिरामध्ये जाणाऱ्या लोकांना सुद्धा कर भरावा लागला. इसी कारण से उसका विश्वास जैसे परमेश्वर को स्ट्रॉंग होना चाहिए वैसा नहीं था. म्हणून त्याचा विश्वास जसा देवावरती मजबूत असायला पाहिजे होता तसा नव्हता. हम पत्रस को बहुत अच्छा सोचते हैं. आपण पेत्राला खूप चांगले समजतो. वो येशु उसकी जिंदगी में आने के बाद वो बदली हुआ. आणि पण येशू त्याच्या जीवनामध्ये आल्याच्या नंतर तो बदली झाला. जब येशू उसके नाव में चढ़ा. जब जेव्हा येशू त्याच्या उडीमध्ये उतरला. नाव में बैठकर उसने प्रचार किया. आणि मैंने बसों मैंने प्रचार किया. वो उस वचन सुनने से उसे कहीं ना कहीं महसूस हुआ नहीं ये एक अलग व्यक्ति है.
आणि तो प्रचार ऐकल्याच्यानंतर त्याला कुठे ना कुठे जाणीव झाली की हा एक वेगळा माणूस आहे. इसीलिए उसने जब उसने कहा येशूने की तू नाव गहरे पाणी मिले चल, म्हणजे येशू त्याला म्हणाला की खोल नदीमध्ये तू त्या तुझे नावे घेऊन लोका नेहमी पडू सकते, तुम्ही लोक नेहमी वाचू शकता. वहां पर कहा तू येशूने उसे कहा क्योंकि उसने रात भर क्या किया था, कष्ट किया था, लेकिन उसे एक भी मच्छी नहीं मिली थी. आणि पेत्रने रात्रभर कष्ट केले होते पण त्याला एक ही मासा भेटला नव्हता. पत्रस के पास लाया कोण? आणि पेत्रने आणलं म्हणून प्रथम चेलो का बुलाया जाना. आणि तिथे जर तुम्ही हेडलाईन वरती तिकडे लिहिण्यात आले की प्रथम शिष्याला बोलवणार, चौथे वचन गहरे पाणी मी ले चल, आणि चौथे वचन मध्ये खोल पाण्यामध्ये घेऊन उसने कहा स्वामी मैंने रात भर मेहनत की है मैं कुछ नहीं पकड़ा हूं. आणि तो म्हणाला की गुरुजी मी खूप मेहनत केली रात्रभर पण मला काही भेटले नाही. पहिले दुवार थोडे टाइम के बाद का आणि तो शांत झाल्यानंतर थोड्या वेळानंतर तो म्हणाला तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं. आणि तू म्हणतो म्हणून मी जाळ टाकतो. कोई उद्धट व्यक्ती कथा आणि मला माहिती की मासे कुठे पकडायचे आहेत. पण तो असं नाही म्हणतो. ऑलरेडी जब येशू उसके नाव में बैठ चुका था तो वो भीड़ को सुसमाचार दे रहा था, वचन सुन बता रहा था. आणि येशू त्याच्या नावामध्ये बसला होता आणि तो लोकांना सुवार्ता सांगत होता. इसके कारण से उसके अंदर ऑलरेडी वो वचन सुनने से उसके अंदर फीलिंग्स आ चुकी थी. आणि म्हणून त्याने वचन ऐकल्यामुळे त्याच्या अंतर्मनामध्ये फीलिंग्स आले होते. प्रिय जब आपके घर के लोग इतने भी कठोर हो, कुछ भी हो, पैसे भी हो, लेकिन जब तक वो वचन सुनेंगे नहीं ना सॉफ्ट होंगे नहीं. आणि तुमच्या घरातील लोक कितीही कठोर असू द्या पण जोपर्यंत ते लोक वचन ऐकणार नाहीत ना तोपर्यंत ते लोक सॉफ्ट नाही. वचन सुनने से पहले पहला पॉइंट अगर पुरुष चेंज होना है तो उसकी बीवी धार्मिक होनी चाहिए. आणि वचन ऐकण्याच्या अगोदर सर्वात पहिले मुद्दा जर पुरुष जर बदलायचा आहे तर त्याची पत्नी नीतिमान असली पाहिजे. पत्रसने जो तिसरे अध्याय में फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 में जो उसने लिखा है कि हे स्त्रियो तुम कैसे होने चाहिए. आणि पेत्रस पहिला काय बोलतोय 3 मध्ये दिले की हे स्त्रियो तुम्ही कसं असले पाहिजे. क्यों? क्योंकि पत्रस का बिल्कुल मतलब वो एक तरफ से देखा गया है ना वो उसके लाइफ में एकदम कठोर बन चुका था. उसके लोगों का स्वभाव देखकर रोमी लोगों का साम्राज्य में और अपने याजकों और उन लोगों के व्यवस्था से पालन में एकदम कठोर बन चुका था. आणि रोमी लोकांमध्ये आणि तिथल्या ज्या लोकांमध्ये राहून पूर्णपणे कठोर झाला होता. लेकिन उसकी पत्नी धर्मी थी. पण त्याची पत्नी नीतिमान परमेश्वर को भय मानती की देवाचं भय बाळगणारी. इसीलिए वो उसका पति कैसा भी था लेकिन वो उसकी पत्नी है ना उसके साथ बहुत अच्छा रहती थी. आणि त्याचं तिचा नवरा कसाही असो लेकिन ती पत्नी होती म्हणून ती तिच्या नवऱ्याबरोबर चांगली राहिली. इसी कारण से पत्रस स्त्रियों को लिख पाया. म्हणून पेत्र स्त्रियांना लिहू शकला. क्या लिख पाया? काय लिहू शकला? पडो आणि तिकडे वाचा. जिसके कारण वो बदल पाया. आणि त्याने आपल्या पत्नीमध्ये अशा सारे गोष्टी बघितल्या की त्याच्याद्वारे तो बदलू शकला. इसीलिए परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाया. म्हणून देवाच्या वचनाला तो स्वीकारू शकतो. इसलिए पत्रस की जो फॅमिली है पेत्रसीचे कुटुंब आहे तो वाइफ की त्याला पत्नी होती. योजना बनाते हैं उसके साथ ज्वाइन हो जाओ अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा तो. म्हणजे प्रभु विषयी तुम्ही बोला आप प्रभु के बारे में उसे समझाओगे आप प्रभु के बारे में उसे बोलोगे तेव्हा ते बोलणे ऐकून घेण्यास त्याने नकार दिला. हाँ तो वो बात कर जब आप प्रभु के बारे में बताओगे तो वो इनकार नहीं करेंगे वो अनसुनी नहीं करेंगे जाना क्यों. अगर आप उसका सुनते हो आप उनकी योजनाओं को मान देते हो आप उनके आधीन रह रहे हो तो नेचुरली जब आप प्रभु के बारे में बताओगे तो वो भी सुनेंगे.
आपको समझा? उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ, उदाहरण तो तुम्हारा सामने जो जो सूरज अगर अभी सूरज की शादी हुई थी सूरज अगर तो लग्न था लेकिन आगे हो जाएगी अगर उसकी पत्नी उसका सुनी नहीं जब देखिए पत्नी ने साइकिल नहीं तो क्या तू तेरी पत्नी का सुनेगा क्या? तो तू तेरे भाई को साइकिल का नहीं सुनेगा नहीं आएगा लेकिन अगर पत्नी सुनती है जब पत्नी आई थी हाँ मैं हाँ बोल रही है हाँ मेरे हाँ बोलते हैं तुम्हारी योजना है आपकी योजना है ठीक है हम ऐसे ही करेंगे आंटी की तुम्हारी योजना है तो हमें असर करो आप ऐसा कह रहे हैं ना नहीं जाना है ठीक है हम नहीं जाएंगे आंटू भी ऐसा मतलब नहीं रहता तो नहीं जाना ठीक है आप ऐसे बता रहे ना हम ऐसा ही होगा आंटू भी ऐसा बोलते हैं ना महसूस होगा तो क्या होगा मकान यीशु के बारे में बताएगी आंटी बोले यीशु मुझे संगे उसे नहीं बोलने के लिए तकलीफ होगा तो तेरा नहीं बोलेगा त्रास होगा क्यों कहा ऑलरेडी वो भी सब बातों में शामिल हो रही है कारण की ऑलरेडी सगा गोष्टी में शामिल हो रहे हैं तेव्हा मी बोलले ऐकून घेण्यास त्याने नकार दिला तरी तुमच्या आदरयुक्त व शुद्ध आचरणामुळे ते दुर्गुळे वळते अगर उसमें से कोई पुरुष कडक भी निकला कठोर भी निकला और उसने सोचो येशु का सुनना नहीं चाह चर्च में आना नहीं चाह हाँ बहुत से पुरुष लोग चर्च में नहीं आते ना अरे खूब सारे पुरुष चर्च में नहीं आते किसी के पिताजी नहीं आते कोणाचे वडील येत नाही किसी के भाई नहीं आते कोणाचे भाऊ येत नाही पति नहीं आते कोणाचे नवरे येत नाही उन सारी स्त्रियों से परमेश्वर देखो पत्रस की फैमिली के द्वारा पत्रस के द्वारा परमेश्वर आपको क्या बताता है आणि पेत्रचा कुटुंबाद्वारे आणि पेत्राद्वारे देव तुम्हाला काय सांगतो क्या कहता है तरी तुमच्या आदरयुक्त तुम्हारे आदरयुक्त यानी आपका पति भले चर्च में नहीं आता है लेकिन आप यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट देयर आणि जरी तुमचा नवरा चर्च मध्ये येत नाही तरी तुम्ही त्याला खूप आदर दिला पाहिजे तुम्ही उन्हें आदर देना ही है आणि तुम्हाला त्यांना आदर द्यायचाच आहे तो जाड़ दुखत होता बैठ
आपके पीछे चलता हूँ, आइए सबसे पहले मेरे ही घर चलो। आणि कुठे पण तो त्याला घेऊन नाही गेला, तो म्हणाला की मी तुझ्या मागे चालतो, तू सर्व पहिले माझ्या घरी ये। येशू
हम जैसे उसके घर में आया, जैसे यीशु त्याच्या घरात आला, प्रियो हम देखते हैं कि उसकी सास बीमार थी, बुखार था उसको। अपन बघतो की त्याची सास आजारी होती, तिला ताप होता। जैसे यीशु उसके घर में आया, जैसे यीशु त्याच्या घरामध्ये आला, यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की, यीशु ने तिच्यासाठी प्रार्थना केली। आठवा अध्याय, मत्ती अध्याय आठ, मत्ती अध्याय आठ, मॅथ्यू चॅप्टर एट, मत्ती अध्याय आठ, दुसरा 14 से, त्याचा 14 पासून। येशू पेत्राच्या घरी आला तेव्हा पेत्राची सासू तापाने फणफणली होती। सास जो थी उसे बहुत बुखार था, अंथरुणावर पडून आहे असे त्याने पाहिले। तेव्हा येशूने तिच्या हाताला स्पर्श केला आणि त्याने स्पर्श करताच तिचा ताप गेला, ती उठली आणि त्याची सेवा करू लागली। येशू की सेवा करणे लगी। अब हम देखते हैं कि उसने क्या किया। येशू उसके जिंदगी में आने के बाद येशू ने सबसे पहले उसकी सास को सेलिब्रेशन दिया, उसकी पत्नी भी सेलिब्रेशन पाई, उद्धार पाई, उसके बच्चे उद्धार पाए, उसके घर में जितने लोग थे वो सब उद्धार पाए। आणि जसे येशू ख्रिस्त त्याच्या घरामध्ये आला त्याच्या पत्नीचं त्याच्या सासूच्या मुलांचं दानं मिळालं। बहुत फरक पडता है जब पुरुष येशू पर विश्वास करता है। आणि खूप फरक पडतो जेव्हा पुरुष देवावरती विश्वास करतो। देखा जैसे अगर स्त्री विश्वास करती भी है, आणि आपण बघतो की जसं स्त्री विश्वास जरी ठेवते तो भी उसे उसके चाल चलन से उसके घर का पुरुष चेंज होगा। आणि तरी व्यक्तीच्या चाल चलनीमुळे वागणुकीमुळे तिचा नवरा बदलतो। पुरुष अगर परमेश्वर पर भय रखता है, पण जर पुरुष देवावरती भय ठेवतो भय बाळगतो, उसे जो उसकी पत्नी हो उसकी पत्नी को जो बोलेगा, आणि तो त्याच्या पत्नीला जे काही बोले उसकी पत्नी को ऍक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आणि त्याच्या पत्नीला जे स्वीकारावंच लागेल। सबसे पहले येशू को घर में लाया, आणि सर्वप्रथम त्याने येशूच्या घरामध्ये आणला। सास ने भी येशू को ग्रहण किया, त्याच्या सासूने पण येशूला ग्रहण केलं। उसकी पत्नी परमेश्वर यहोवा का भय मानती थी, इसलिए वो तुरंत येशू पर विश्वास करने लगी। आणि पहिली त्याची पत्नी जी देव यहोवाचा भय बाळगत होती म्हणून तिने लगेच त्याच्यावरती विश्वास केला। त्याचे भी येशू पर विश्वास करने लगे। आणि त्याचे मुलेही त्याच्यावर देवावरती विश्वास करू लागले। फॅमिली पुरुष से बनती है, म्हणून कुटुंब हे पुरुषापासून बनते। कितना अच्छा रीति से प्रयोग हम देखते हैं कि पत्रस जो इतने बुरे स्वभाव का मनुष्य, लेकिन जैसे उसके जीवन में येशु आया, उसके फैमिली के प्रति उसके अंदर आया प्यार आया, इसलिए वो सबसे पहला येशु अपनी पत्नी को, अपने सास को, अपने बच्चों को दिया। आणि जसं पेत्र देवाचं भय बाळगत होता म्हणून काय झालं, जसं येशू त्याच्या घरामध्ये आला त्यांनी ते काय केलं, पेत्राचं आणि त्याच्या पूर्ण कुटुंबाचं तारण करत होते। इसलिए बहुत फरक पडता आहे पुरुष फॅमिली में बना रहना और वो परमेश्वर का भय मानना। आणि खूप फरक पडतो की पुरुष या कुटुंबामध्ये बनून राहणं आणि तो देवाचा भय बाळगतो। फॅमिली पुरुष की होती है आणि कुटुंब हे पुरुषाचं असतं। थोडंसं आपको फॅमिली के बारे में बताते, तुम्हाला थोडंसं कुटुंबाबद्दल सांगते। लोक आज फॅमिली में सब जो घर में रहते वो सब अपनी फॅमिली में रहते हैं। आणि आज जे लोक घरामध्ये राहतात सगळे आपल्या कुटुंबाबरोबर राहतात। परमेश्वरने बनाया कुटुंब, परमेश्वरने बनाया आणि कुटुंब हे देवाने बनवलं। परमेश्वर नाही चाहता की कोई मनुष्य अकेला घर में रहे। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की कोणत्याही माणसाला घरामध्ये राहावे। पुरुष खास करून पुरुष परमेश्वरने आदम को बनाया आणि प्रत्येक पुरुषाने स्त्रीशी विवाह करायचे, कोणत्याही पुरुषाशी करायचं नाही किंवा नपुसकलिंग लोकांशी पण करायचे। हर पुरुष को आदम के लाइफ में आखिरी सांस तक हवा रही, वैसे ही हर पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और से विवाह न करे। जसं आदमाच्या जीवनामध्ये शेवटपर्यंत हवाच राहील तसं प्रत्येक पुरुषाच्या जीवनामध्ये त्याची पत्नी असली पाहिजे, दुसरी कोणतीही स्त्री आली नाही। म्हणजे कुछ दिनों में जैसे देखे जितने लोगों की जिंदगी में सेकंड वाइफ है या सेकंड उनके जीवन में कुछ बाहर के रिलेशन है, परमेश्वर ने कैसे उन रिश्तों से उनको अलग किया। आणि आपण थोड्या दिवसांपूर्वी बघितलं होतं की ज्यांच्या जीवनामध्ये दुसरीची पत्नी आहे त्यांच्यामुळे त्यांना कसा त्रास झाला आणि कसं देवाने त्यांना त्यांच्यापासून वेगळं केलं। परमेश्वर बिलकुल ग्रहण नाही करता आणि देव बिलकुल स्वीकार करत नाही। एक आपली जो उसकी पत्नी है जो उसके लिए बनाई गई, आणि जी त्याची पत्नी त्याच्याशी बनवण्यात आली उसके लिए बनाई गई आणि त्याच्यासाठी बनवण्यात आली, तो उस पत्नी को छोड़कर वो कहीं और दूसरी जगह शादी नहीं कर सकता न रख सकता। तो त्याच्या पत्नीला सोडून दुसऱ्याशी विवाह करू शकत नाही ना दुसऱ्याशी व्यभिचारापासून दूर राहायला पाहिजे म्हणून त्यांचा विवाह केला। आपले बच्चों को ऐसा उसमें बढ़ाना है कि ताकि
जैसे वो बड़े होते जाएंगे उनके हॉर्मोन्स चेंज हो जाएंगे तो उनमें शरीर की अभिलाषाएं नहीं आनी चाहिए। आणि आपल्या मुलांना असं वाटलं पाहिजे की जसे ती लोक मोठे होते त्यांचे हॉर्मोन्स चेंज होते ती लोक पापामध्ये म्हणणार नाही, हीच रीतीचे उनमें आपला भय रखना आहे आणि अशा रीतीने त्यांच्या आंदोलनामध्ये स्वतःचा भय रखना, देवाचा भय ठेवायचं, हे परमेश्वर हमें खास सिखाता आणि हे देव आपल्याला खास शिकवते। फॅमिली सिर्फ अकेले से नहीं होती, जहां दो तीन चार दो से ज्यादा संख्या में जहां मिलकर रहते उसे कहते हैं फॅमिली, आणि कुटुंब हे एकट्याने बदलत नाही पण जिथे दोन तीन चार असे जास्त लोक राहतात ते त्याच्याद्वारे कुटुंब बनते। पुरुष की ये फॅमिली बनाई गई इसलिए पुरुष अपने मित्रों में अपने बाहर चौक में बैठने से भी ज्यादा घर में रहना चाहिए। आणि पुरुषांसाठी कुटुंब बनवा झाला म्हणून स्वतःच्या मित्रांबरोबर जास्त बसण्यापेक्षा चौकीमध्ये जास्त बसण्यापेक्षा आपल्या कुटुंबाबरोबर जास्त बसायचं। इसीलिए माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चों को बचपन से ही बाहर ऐसा ही नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर वो आगे जाके घर में रहेंगे नहीं। आणि आई वडिलांनी आपल्या मुलांना लहानपणी बाहेर जास्त सोडायचं नाही, की मग ते मोठे झाल्याच्यानंतर नाही तर मग ते बाहेरच राहते। ये सबसे बड़ा काम है, माता पिता की जिम्मेदारी है आणि सर्वात मोठे आई वडिलांची जबाबदारी आहे। पुरुष एक बार शादी कर लिया तो ज्यादा समय अपने परमेश्वर के साथ और अपनी पत्नी और अपनी फॅमिली के साथ बिताना है। आणि पुरुषांनी जर लग्न केलं तर सर्वात जास्त वेळ त्यांनी देवाबरोबर घालवला पाहिजे, नंतर आपली पत्नी आपल्या मुलांबरोबर। स्त्री का भी इम्पॉर्टंट है की अपना घर में पुरुष रहने के लिए पुरुष भी क्या स्त्री क्या होनी चाहिए। आणि जर सर्व काही स्त्रीने काय केलं पाहिजे तर तिचा पुरुष घरामध्ये केला पाहिजे तर तिने काय केलं पाहिजे, आदर देना चाहिए, किट-किट नहीं करना चाहिए, कुकुराना नहीं है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो पुरुष घर में कहाँ रहेंगे, चौक में नहीं तो धावे पे। आणि ज्याला आदर दिला पाहिजे त्याच्यामध्ये किटकिट नाही केली पाहिजे, कुरकुर नाही पेरित पाहिजे, तेव्हा तो घरामध्ये राहील, जर तसा नाही केलं मग तो चौकीमध्ये राहील। ज्यादा बड़बड़ाना भी नुकसान होता है, ज्यादा बड़बड़ करना भी नुकसान होता है, सामने वाला सुनने वाला बोर हो जाता है, समोर ऐकणारा वाला बोर होता है। काम करके थके आया हुआ इंसान ज्यादा बातचीत नहीं ग्रहण करता, आणि काम करून थकून आलेल्या व्यक्तीला जास्त बोलणं आवडत नाही। अगर मैं बहुत थक गई होगी, अगर मैं खूप थकलेली असेल, जैसे मी उपास करा तो मैं बहुत थक जाती तो मैं जोशा करते जोशा मैं थक गई बाकी ठीक है ना ओके बाय, इससे बढ़कर नहीं बात करते। आणि कोई बात करने को नहीं हो रहा है तभी मुझे सुनने की भी क्षमता नहीं, आणि मला बोलायला सुद्धा जमत नाही, ऐकायची पण माझी क्षमता नाही। रख दे तो इससे बात नाही तर इससे बोल और रख दे तो ठेवून दे। तो आपको समझा, इंसान जब थका हुआ रहता है तो बिल्कुल औरतों को या सामने वाला कोई बात कर रहा है वो सुन नहीं सकता, आणि जेव्हा माणूस थकलेला असतो तेव्हा कोणी समोरचा बडबड करेल त्याला बिलकुल सहन नाही होत। स्त्रियों को बुद्धि होना चाहिए, बाबा मुझे आते ही पुरुष के सामने बड़ा 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 आणि त्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा सांगू नका। अभी आज मी ऋतिका को बोला आणि आज मी ऋतिकाला म्हणतो मी दाळ बनवली कल मी दाळ आहे ओके अच्छी हुई थी बहुत अच्छी हुई थी गोड़ दाल होगी और मीठी दाल थी और त्याच्यानंतर एक घंटा दो घंटे के बाद दाल में दाल बनवली आणि एक दोन तासाच्या नंतर पुन्हा मध्ये घर में दाल दाल बनाया गोड़ दाल और मीठी दाल होती और तीसरी थी मस्त बहुत अच्छी थी। फिर शाम हो गया मैं कल गोड़ दाल नंतर संध्याकाळी मी बोलना सांगे की मैंने मीठा दाल बनाया था चांगली होती बहुत अच्छी थी खूब खा ली बहुत खाया चार दिन के बाद भी मिलो थी पर चार दिन की दाल बना ली और चार दिन के बाद मैं वापस बोली की चार दिन पहले मैंने दाल बनाई मैंने माई से बोल दी और बोली मालूम है मैंने खूब खा ली और आपने बहुत खाया है ना। अरे म्हणून आहे ना तुम्ही सतत त्या त्या गोष्टींचं पाठांतर करून जसं लहान मुलांना बोलायला सांगतो ना हे जे पाठांतर करून बोलतात ना ऐकण्यासाठी बोरिंग वाटतं पण टीचर लोक जास्त ऐकत नाही कारण ते सतत ऐकत असतात जे पाठांतर जे ज्यादा बोलते ना वो सुनने के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता इसलिए टीचर लोग भी ज्यादा सुनती नहीं वही वही वो सुनती नहीं कभी बोला इसलिए कम बात जेवढे तुम्ही शांत जितना आप शांत तेवढे भी समजदार और उतने आप समजदार। बाइबल सांगतं नीती सुखामध्ये मूर्ख माणूस जेव्हा शांत असतो तो त्याला समजदार नाही और मूर्ख इंसान जब शांत राहिला तर उसका बुद्धिमान दाखवतो आपली मूर्खता दिखाने एवढं बोलू नका इथे इतना बात नको की तुमच्यापासून मी पण पळून जाईल की आपसे मैं भी दूर भाग जाऊ बापरे पळा असं करू
अपने लोगों में भी इतना मत बात करो, अपने घरामध्ये आपल्या लोकांमध्ये ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, बाइबल बताता जास्त बोलना चांगलं नाही, असं बाइबल ज्यादा बोलने वाला पाप करता है, जास्त बोलणारा पाप करतो, दुसरों के पाप होता है, दुसऱ्याच्या पापांना उघडतो, दुसरों पर दोष लगाता है, दुसऱ्यांवर भी दोष लगाता है, अपने को अच्छा बोलता है, स्वतःला चांगले समजतो, दुसरों को पापी ठहरा आणि दुसऱ्यांना पापी ठहरा, इसलिए कम बोलना अच्छा है, कमी बोलना चांगला है, ज्यादा बोलने वाले का उपयोग परमेश्वर प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करता है आणि जास्त बोलण्याचा वापर जो प्रचार करण्यासाठी वापरतो ना, तो लेकिन घर में ऐसे ही सिर्फ बैठे बातचीत करने के लिए नहीं करो, क्यों आप इस फॅमिली में हमें क्या करना है ये हम सोच के करना है आणि कुटुंबामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे ते विचार करून करायचं, आपले पती और हमारे घर के पुरुष हमारे घर के एक दूसरे से जुड़े रहे ऐसे ही बातें घर में होने दो आणि घरातले पुरुष एकमेकांशी जोडून द्यावे म्हणून अशाच गोष्टी तुम्ही करा, आप अपने घर में 8 सदस्य 10 सदस्य या 6 सदस्य या 4 सदस्य जितने सदस्य हो एक दूसरे की बढ़ती हो ऐसा ही रिलेशन रखो, ऐसे ही वार्तालाप करो आणि तुमच्या घरामध्ये किती सदस्य असो ते पण त्यांची वाढ होवी आणि त्यांचं नातं चांगलं राहू असं तुम्ही त्यांच्याशी वागा, सामने वाला आपसे जोर से बात किया भी तो आप शांत रीति से उत्तर दो आणि समोर जर तुमच्याशी ओरडून बोला तरी तुम्ही शांतीने त्यांना उत्तर द्या, यही तब आपकी फॅमिली बनी रहे, तेव्हा तुमचं कुटुंब बनून राहील, प्रभू चाहता है कि फॅमिली बनी रहे आणि देवतेचे कुटुंब बनून राहा, भले पुरुष से फॅमिली है लेकिन पुरुष इम्पॉर्टंट है, देखा ना पत्रस के विश्वास रखने से उसकी पत्नी उसकी सास उसके बच्चे उसके घर में जितने भी सदस्य हो गए, भाई तो यीशु में ऑल आ चुका था, शायद बहन भी आ गई होगी, उसकी पूरी फॅमिली यीशु में आ गई, पुरुष के विश्वास रखने से बहुत फायदा होता है आणि पेत्राने विश्वास केल्यामुळे त्याचा पूर्ण कुटुंब जे होते ते येशू ख्रिस्तामध्ये आले म्हणून पुरुषाने विश्वास ठेवणं फार गरजेचं आहे, इसलिए प्रियो फॅमिली मिलजुल कर रहते मिलजुल कर रहना है और मिलजुल कर सबको एक दूसरे को हेल्प करना है आणि कुटुंबाने मिळून मिळून राहायचं आहे आणि एकमेकांना मदत केली पाहिजे, जो कुछ कल की बातें हुई वो निकालो मत आणि कालच्या ज्या गोष्टी झाल्या त्या तुम्ही काढून जुनी जुनी बातें कल की निकालो मत आणि जुन्या जुन्या कालच्या गोष्टी काढून अच्छी अच्छी बातें करो, चांगले चांगले गोष्टी करो, जिससे आप एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हो, रहने की इच्छा रहे आणि ज्याच्या तरी तुम्हाला एकमेकांबरोबर राहण्याची इच्छा नाही, ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए फॅमिली आणि असं नातं असलं पाहिजे कुटुंब, घर बोला तो मिलकर काम करना है, घर म्हटलं तर मिळून काम करायचं, अगर आप मिलकर काम नहीं करोगे तो तुम्ही मिळून काम नाही केलं तो क्या हो जाएगा, तो काय होऊन जाईल, एक परी ज्यादा भार पड़ेगा, एक वरती जास्त लोड पडेल और फिर आणि मग है ना फिर वो कुड़कुड़ाने लगेगा, एक जन ज्यादा बीमार रहेगा हमेशा चिड़चिड़, इसलिए घर में अपने घर में ऐसा वातावरण रखो, फैमिली में ऐसा वातावरण रखो कि आपके घर में आने के बाद प्रसन्नता लगनी चाहिए आणि आपल्या घरामध्ये आणि आपल्या कुटुंबामध्ये असं वातावरण ठेवा की तुमच्या घरात आल्यानंतर प्रसन्नता वाटेल, ऐसा आपका घर होना चाहिए आणि असं तुमचं घर असलं पाहिजे, तो इसलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार हर पुरुष परमेश्वर का भय मानने वाला हो, देवाच्या वचनानुसार प्रत्येक पुरुष देवाचा भय मानना चाहिए आणि पुरुषाने भय मानना, आपले बच्चों को येशु के बारे में सिखाना पुरुषों का कर्तव्य है आणि आपल्या मुलांना येशू बद्दल शिकवणे पुरुषांचं कर्तव्य, जब जब आप घर में रहते हो तब आपको सिखाना है, अभी सूरज की पिछाडी हुई नहीं, दिवेश की पिछाडी हुई नहीं आणि सूरज जरा आणि दिवेश जरा लग्न झालं नाही, लेकिन इन दोनों की हो गई है, पण ह्या दोघांच झालंय, गौरव की भी नहीं हुई, गौरव तो पण नाही झालं, गोविंद मेरू देखा मैं लेकिन आगे जाके होगी, अरे बात को बच्चे हो जाएंगे तो आपका बड़ा कर्तव्य आप जितना परमेश्वर का भय मानोगे आपकी बीवी भी मानेगी आपके बच्चे भी मानेंगे, आणि जेव्हा तुम्हाला मुलं होते तेव्हा जेवढं तुम्ही देवाचं भय बाळगा तेवढं तुमची पत्नी आणि तुमची मुलं देवाचं भय बाळगा, आपके बच्चों को आप ही सिखाना है, तुमच्या मुलांना तुम्ही शिकवा, वाइफ से भी ज्यादा पुरुष का यानी पिता का बच्चे सुनते हैं आणि आईपेक्षाही जास्त जे मुलं आहे ते वडिलांचं जास्त ऐकतात, ज्यादा सुनते हैं, जास्त ऐकतात, मानते हैं, अडळते हैं, जास्त मानतात आणि त्यांना जो पुरुष बराबर रहता नहीं दारू पिता है, जो पुरुष बरोबर राहत नाही दारू पितो, काम नहीं करता है, काम नहीं करता, बच्चे डरते नहीं, मुझे घबरा खुद देखा, एक बेटा अपने बाप को ऐसा ही बोल रहा था आणि एक आपला एक मुलगा आपल्या आवडलं असंच म्हणले, का ऐसा नहीं बोला आणि मी म्हटलं असं नाही, दारू पी आहे शैताने उसे दारू पिला आहे आणि त्याने दारू पिले शैताने त्याला पास केलं, ऐसा दोष नाही लगा, कामना करो उसके तू दोष लावू नको, पण त्याच्यासाठी प्रार्थना से तेरे पिताचे दारू छोडेंगे, तुझ्या प्रार्थनेमुळे तुझे वडील दारू सोडतो समजा, इसलिए दोष लगाने से दारू नहीं छोडेंगे, लेकिन पुरुषों को ही अकल आनी चाहिए कि मेरे बच्चे
बच्चे के सामने मैं नमूना हूँ, अगर मैं दारू पीला तो मेरा बच्चा भी दारू पिएगा। आणि पोषण ही समझ असली पाहिजे की मी माझ्या मुलासाठी एक नमूना आहे, जर मी दारू पीले तर माझ्या मुलाला सुद्धा दारू पिएगा। मैं गाली देता हूँ तो मेरे बच्चे भी गाली देंगे। आणि मी शिवी देता तर माझ्या मुलाला सुद्धा देतो। मैं अगर मेरी बीवी से झगड़ा करता हूँ तो मेरे बच्चे भी अपनी खुद की माँ से झगड़ा करेंगे। आणि मी जर माझ्या पत्नीवर भांडण करतो तो माझे स्वतःचे मुले मी स्वतःच्या आईबरोबर भांडते। मैं जब मेरी पत्नी का नहीं सुनता हूँ तो मेरे बच्चे मेरी उसकी खुद की माँ का नहीं सुनेंगे। आणि मी माझ्या पत्नी से ऐकते तो माझे स्वतःचे मुले त्यांच्या स्वतःच्या आईबरोबर भांडते। मैं उसे अपनी पत्नी को आदर दूंगा तो मेरे बच्चे भी आदर। आणि मी जर माझ्या पत्नीने आदर दिले तर माझे मुले काय करतील, खूप स्वतःच्या आईला आदर देतील। क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है उनके बच्चों का। आणि पुरुष काय करतात त्याच्यावरती आधारित आहे त्याचे मुले। पेत्रस परमेश्वर की सेवा के लिए उतरा इसलिए उसकी पत्नी भी सेवा के लिए उतरी। आणि पेत्रस देवाच्या सेवेसाठी उतरला म्हणून त्याची पत्नी सुद्धा सेवेसाठी उतरली। पेत्रस चले जाने के बाद जब पेत्रस सेवा के लिए उतरा सबसे पहला प्रचार पेत्रस ने किया जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आया। आणि येशू गेल्याच्या नंतर सर्वात पहिले पेत्राने प्रचार केला आणि त्याच्याद्वारे पवित्र आत्मा उतरून आला। पहिली बार तुम देखते पवित्र आत्मा आने के लिए जो 12 नंबर था पेरितो का ही 12 नंबर था वो इनकम्प्लीट था, 11 था उसके लिए पत्रस उनके बीच में खड़ा होकर कहा, क्या कहा? पहला पत्रस पहला पेरितो के काम में आप पढ़ सकते कि हमें उस जगह को जो यहूदा ने छोड़कर गया है उसे किसी और को रखना है। आणि पवित्र आत्मा उतरण्याच्या अगोदर त्यांची जी संख्या होती शिष्यांची 12 ती अपूर्ण होती म्हणून पेत्र म्हणाला की जी यहूदा इस्कोरियोतची स्वतःची जागा सोडली नाही त्यात आपल्याला भरून काढायची आहे। इसीलिए दो चिट्ठी डाला दोनों 120 लोगों के अंदर दो जन अच्छे लगे। आणि 120 लोकांमध्ये दोन जण जास्त आवडले। हां उन्होंने सोचा प्रभु अब तू बता इन दोनों में से किसको चुनना। आणि ते म्हणाले कृपा तू सांगे दोघांना कोणाला निवडायचे। चिट्ठी उठाया चिट्ठी उचलली या के नाम की मतियाच्या नावाने जैसे 12 प्रेरित हो गए जसे 12 प्रेषित झाले और लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे एकत्रित होऊन प्रार्थना करत होते। पवित्र आत्मा उन पर आया पवित्र आत्मा त्यांच्या वरती आला। ईश्वर आत्मा उन पर बल से उतरा देवता आत्मा बलाने त्यांच्या वरती उतरा जीवे ठहर गई उनके आग की त्यांच्या वरती आगीची जीवे ठहरून अन्य भाषा बोलणे लगे आणि अन्य भाषा बोलू लागले। आणि इतना बड़ा आवाज हो गया आणि एवढा मोठा आवाज हो गई लोग डर गए क्या हो गया एकदम क्या चालू है। आणि लोक घाबरले की विचार करू लागले की तर काय झालं जैसे देखा सब हमारी भाषा बात में हमारी बोली बोल रहे आणि जेव्हा सगळ्यांना समजले की आमची भाषा बोलतायत। इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पत्रस को पहला चुना उतने लोगों के बीच में कलीसिया बनाने का पहला पत्र जिस पर 16 अध्याय में मत्ती अध्याय 16 में कहा ना तू पत्रस कहलाया जाएगा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधरों के फाटक प्रबलन होंगे। 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 17 से आणि 16-17 जे मासे होतात तेव्हा देव ते पेत्राला म्हणाला की तू पहिला मंडळीचा दगड बनशील ज्याच्यावरती कधी अधे लोकांचे पाटा काय करणार नाही प्रबळ होणार नाही। परमेश्वरने येशू मसीहने हमेशा पत्रस याकोब आणि योहना को खास लिया। आणि येशू ख्रिस्ताने जेव्हा बघा तेव्हा पेत्र याकोब आणि योहनाला खास सोबत 12 प्रेरित ते आणि 12 प्रेषित होते लेकिन पत्र परमेश्वरने पत्रस को ही क्यों लिया। देवाने पेत्रालाच सांगितले याकोब आणि योहना को लिया ठीक आहे क्योंकि वो उसके मौसी के लड़के हैं। आणि याकोब योहनाला घेतला कारण ते त्याच्या मावशीचे मुलं आहेत लेकिन पत्रस को क्यों लिया पण पेत्राला का घेतलं है ना। मैंने भी ये प्रश्न पूछा था मी पण हा प्रश्न विचारला होता अरे मुझे तो पहले ऐसा लगा कि याकूब यहूना कैसे आगे जाके याकूब तो जल्दी मर गया यानी याकूब तो लोगों को मिला यहूना एंडिंग तक रहा यानी यहूना शेवट पर गया। तीनों को चुनने का मुख्य उद्देश्य है पत्रस पहला पत्थर है जिसके द्वारा कलीसिया बनाने वाला है मेरे प्रचार करने वाला है और आगे ये ऐसा बनने वाला है इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह उसे ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा पहला उसे चुनता था। आणि पेत्र हा पहिला दगड आहे आणि तो पुढे जाऊन माझ्या नावाचा प्रचार करणार आहे म्हणून देवाने काय केलं पहिले त्याला निवडलं आणि त्याला सोबत घेतलं। 11 प्रेरिताई लोगों को संभालेगा आणि तो या 11 प्रेषितांना चांगल्या पद्धतीने इसीलिए यीशु मसीह पत्रस को पहिले लेता म्हणून यीशु मसीह पहिले पेत्राला नाही पत्रस का अच्छा स्वभाव क्या था मालूम आणि पेत्राचा चांगला स्वभाव काय होता वो बहुत पाप में पहिले तो खूप पाप मध्ये होता यीशु मसीह में आया पण जेव्हा तो यीशु ख्रिस्त आला तिथे बदल गया तो पूर्ण रीतीने बदलला लाइफस्टाईल उसका चेंज सब कुछ चेंज हो त्याचा जीवनशैली सगळं काही बदलला। इसीलिए यीशु मसीह ने उसके आगे होने वाली बातें और वो करने वाली बातें को ध्यान देकर पत्रस को तैयार किया आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने पुढे होणाऱ्या गोष्टी समजून त्याने पेत्राला तयार केलं। दुसरी बात याकूब को इसलिए चुना दुसरी गोष्ट याकूबला यासाठी निवडलं आरे से चिरे जाने वाला और परमेश्वर का ये गवाही देने वाला बनने वाला आणि तो आरे ने कापणे येणार होता आणि तो देवाचे साक्ष देणार होता। दुसरा बात वो ये भी था कि वो उसकी मौसी का लड़का था आणि दुसरी गोष्ट एक पण होती की त्याच्या मावशीचा मुलगा होता और यहोना को इसलिए चुना क्योंकि उससे प्यार ही करता था
आणि म्हणाले यासाठी निवडलं कारण त्याला प्रेम असतो. सारे बारा पेरितो मे सबसे छोटा वही था. आणि सर्व बारा पेशितांमध्ये लहान निर्माण और सबसे लास्ट वही मरा. आणि सर्व शेवटी तोच मिला. इसी कारण से परमेश्वर की इच्छा थी की आखरी सांस तक और लॉन्ग 90 इयर्स जब 80-90 इयर्स में उस समय तक वो सेवा कर सके इसीलिए उसको चुना था. आणि 80-90 वर्षापर्यंत तो सेवा करत राहावं म्हणून देवाने त्याला निवडलं. चुनने का परमेश्वर ने तीनों को खास इसीलिए चुना क्योंकि पत्रस पहले ही मरने वाला था. आणि देवाने तिघांना यासाठी खास निवडले की पेत्र पहिलेच मरणार होता. यमुना के पहिले यमुनाच्या पहिले इसीलिए यमुना को आखिर में मतलब उसको भी इसीलिए चुना ताकि वो भी सेवा आगे चलाते जाए. और यमुना ने यहाँ सारे निर्णय की पूरे दिन सेवा चालू छे होगी. हर तीन बातों में इन तीनों तीन लोग आगे रहते थे. अन्य प्रत्येक गोष्ठी में ये तीनों पूर्ति को पूरा करते. जैसे हम देखते हैं कि पत्रस को जो 12 साल की लड़की मर गई थी वहां पर भी इन तीनों को लेकर गए. जेवी 12 वर्ष की मुलगी मिली होती तेव पर तिघांना घेऊन गेले. वहां पर येशु अकेला में प्रार्थना करने के लिए गया तभी भी इन तीनों को ही लेके गया. और डोंगरावर येशु प्रार्थना करण्यासाठी गेला होता तिघांना घेऊन गेला. भाग्य पत्रस का याकूब का यमुना का. आणि काय भाग्य पेत्र याकूब यमुना का. क्यों का येशु उनके साथ था और सो गए तो क्या भाग्य होता है. वो सो गए सही बात है लेकिन उधर जाने से क्या फायदा हुआ उनका. अंतिम सामने का क्या फायदा था. रूपांतर उसने यीशु मसीह का रूपांतर देखा. यानी यीशु मसीह का रूपांतर बोलते जो यीशु उनके साथ था जो यीशु ने जो बदल दिया था. हाँ वो यीशु चेंज हो गया. तो यीशु बदल गया. महिमा वाला एकदम ऐसा कोई कपड़ा धो नहीं सकता इतना व्हाइट एकदम प्रकाशित हो चुका था. ऐसे कोई ही कपड़े धो सकते हैं ऐसे प्रकाशित ऐसे कपड़े से. और दूसरा एलिया को भी देख लिया. अरे मोशे ने एलिया को बहुत दिया. भाग्य है ना उनका. हाँ भाग्य है ना. उसका आके कितना साल हो गया. अरे मोशे में कितने वर्ष था. एलिया भी आके कितना साल हुआ. अरे एलिया उन पर कितने वर्ष था. ये उनके काल में मूसा और एलिया को देख रहे. अरे ये लोग त्यांच्या काळामध्ये मोशे आणि एलियाला पाहत आहे. भाग्य है ना पत्रस का. इसलिए पत्रस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु का पहला रूपांतर देखा मूसा को देखा एलिया को देखा. आणि पेत्रा असा पहिला व्यक्ती आहे की ज्याने येशू ख्रिस्ताचं पहिलं रूपांतर बघितलं आणि मोशे आणि एलियाला सुद्धा बघितलं. पत्रस एक ऐसा व्यक्ती आहे जिसने जो वचन सुना उसे वो ग्रास करता था ग्रहण करता था और वैसे ही वो चाल चलता था. आणि पेत्रा असा पहिला व्यक्ती आहे की जो देवाचं वचन ऐकायचा आणि लगेच त्याला ग्रहण करायचा आणि तसंच तो करायचा. जो पत्रस येशू मसीहने क्षमा के बारे में सिखाया. आणि जेव्हा येशू ख्रिस्ताने क्षमेबद्दल शिकवलं पत्रस खास पूछा मेरे भाई को मैं कितना बार क्षमा करना चाहिए. तेव्हा पेत्राने येशू ख्रिस्ताला खास विचारलं की मी माझ्या भावाला किती वेळा क्षमा केली. मत्ती अध्याय 18 में उसके 21वें वचन में पढ़ सकते हैं. मत्ती अध्याय 18 ते 21वें वचन तुम्ही वाचू शकता. हम आपको ये वचन क्यों दे रहे पढ़ने को लिए क्यों नहीं दे रहे क्योंकि हमें 1 बजे के अंदर प्रार्थना खत्म करनी है. इसे आपको ये सब वचन तो मालूम है. आप घर में भी पढ़ सकते हैं या मैं बात करते करते भी आप लोग पढ़ सकते हैं. आणि मी बोलतो बोलतो तुम्ही सभी वचन वाचू शकता. मत्ती अध्याय 18 उसके 21वें वचन में प्रियो परमेश्वर पत्रस खास उसे पूछने के लिए मैं कितना बार क्षमा करना चाहिए मेरे भाई को. आणि पेत्र खास येशूला विचारायला लागला की माझ्या भावाला मी किती वेळा क्षमा केलं पाहिजे. इसीलिए वो बहुतायत लोगों की उसकी सेवा के काल में वो बहुत लोगों को क्षमा करता है. म्हणून त्याच्या सेवेच्या काळामध्ये तो पेत्र खूप लोकांना क्षमा करू शकतो. जो सता रहे थे उनको वो क्षमा कर पाया. जे त्याला सर्व होते त्यांना तो क्षमा करू शकला. सबसे अच्छी सेवा वो कर पाया क्षमा की सेवा. आणि सर्वात चांगली सेवा तो करू शकला क्षमेची सेवा. दुसरी बात म्हणजे ते पत्रस एक जैसे मैंने आपको कहा था कि वो उद्धट था रेबेलियन स्वभाव उसके अंदर था कर के कारण अगेंस्ट था वो कर परमेश्वर को भी देने के एकदम अगेंस्ट था. आणि पेत्रा उद्धट होता आणि देव कर भरण्याच्या विरोधामध्ये तो होता देवाला देण्याच्या पण विरोधात होता. इसीलिए परमेश्वर येशू मसीहने उसे उसके ही द्वारा कर भरवाया. म्हणून येशू ख्रिस्ताने त्याच्या स्वतःच्या द्वारे काय केलं त्याच्याद्वारे कर भरवला. मत्ती अध्याय 17 में उसका 24 वचन से 27 तक पढ़ सकते हैं कि पत्रस को उसने कहा कि येशू ने पत्रस को कहा कि जा तू क्या कर तू बंसी डाल जो मछली मिलेगी उसका मुंह खोलना तुझे सिक्का मिलेगा तू जाकर क्या कर तेरा और मेरा दोनों का कर भर दे. मत्ती अध्याय 17-24 पर्यंत तुम्ही वाचू शकता की येशू ख्रिस्त पेत्राला म्हणाला तो काय कर जाळ डाल आणि त्याच्यामध्ये जो तुला मासा भेटेल त्याचं तू तोंड उघड आणि त्याच्यामध्ये जे नाणं तुला भेटेल त्याच्याद्वारे तू काय कर माझं आणि तुझं कर भर. येशूने उस ट्रेनिंग में पत्रस को देने वाला बनाया. आणि त्या ट्रेनिंग मध्ये येशू ख्रिस्ताने पेत्राला देणारा बनवला. खास करके कलीसिया को क्योंकि मंदिर का कर भरना इम्पॉर्टंट है. आणि खास करून मंडळीला कारण मंडळीचं कर भरणं गरजेचं. आगे जाके यही प्रचार करने वाला है और यही नहीं दे रहा.
क्या है, ये कैसा चलेगा, इसीलिए उसके ही द्वारा यीशु जाके खुद भी तो कर भर सकता था ना। आणि पुढे जाऊन प्रचार करणार आहे, आणि जर प्रचार करणारच देणार असेल तर मग कसं काय, म्हणून त्याच्याद्वारे येशूपर्यंत जाऊन ते करू शकत होता ना, येशूने उसके द्वारा कर भरवाया, म्हणून येशूने त्याच्याद्वारे कर भरवला। इसलिए प्रियो हम देखते हैं कि जिस पत्रस को परमेश्वर ने चुना, जब पेतर ने देवाने निवडलं, हाँ वो पत्रस अपनी फैमिली सकट परमेश्वर की सेवा करता था। आणि तो पेतर आपल्या कुटुंबात सकट देवाची सेवा करत होता। पेतर के काम सात सातवें अध्याय में पढ़ सकते कि जिन स्त्रियों को खाना देने का बंटवारा होता था, जो स्त्रियों पर ज्यादा काम पड़ता था, सातवें अध्याय में या उसके आगे के अध्याय में आप पढ़ सकते, जहाँ हम देखते तो उन स्त्रियों में पत्रस की पत्नी भी थी, सास भी थी। आणि त्याच्या अध्यायामध्ये जे आपण वाचतो की ज्या स्त्रिया बालकांना देण्यासाठी मदत करत होत्या, त्याच्यामध्ये त्याचे सासू आणि त्याची पत्नी सुद्धा होते। पेतो के काम में आप पढ़ सकते हैं, प्रेषितांच्या वृत्तातून जाणू शकतो, उन स्त्रियों को खाना देना, सप्लाई करना, उन सारी स्त्रियों की सेवा में भी उसने अपनी पत्नी को और अपने सास को आगे किया था। उन्हें लोकांना जीवन देने या सगळे सेवेमध्ये त्यांनी आपल्या पत्नीला आणि आपल्या सासूला पुढे केलं होतं, क्योंकि वो येशूने उनको ऑलरेडी, जब येशू उनके घर में आया तो सास ने क्या किया, जेव्हा येशू त्यांच्या घरामध्ये आला तेव्हा सासूने काय केलं, सेवा केली ना, सेवा केली ना, उसके घर में अंधे लंडे लुडे जितने लोग आए उनकी भी सेवा की गई, आणि अंधे लंडे जेवढे लोक त्याच्या बरोबर आले होते त्या सगळ्यांची तिने सेवा केली। येशूने सिर्फ पत्रस को नहीं चुना, उसकी पूरी फैमिली को चुन लिया। आणि येशूने फक्त पेतराला नाही निवडलं, पण त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला निवडलं। इसलिए जब पुरुष है ना परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के लिए आगे अपना लाइफ देता है ना, तो वो पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी अपने लिए नहीं रखता, परमेश्वर के लिए आगे कर देता है। आणि जो पुरुष देवाचा भय बाळगतो ना, तो आपल्या कुटुंबाला स्वतः पुरता नाही ठेवतो, तो काय करतो, देवासाठी तो आपल्या कुटुंबाला समर्पित ठेवतो। आज पुरुष भाइयों को परमेश्वर यही सिखाता है कि आप परमेश्वर का भय मानो तो आपकी फैमिली को भी आप आगे करो की सेवा के लिए। आणि तुम्ही देवाचा भय बाळगा, मग तुम्ही काय करा, स्वतःच्या कुटुंबाला देवाच्या सेवेसाठी पुढे करा। प्रियो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे सेवा में, पहला करंथियों की पत्री अध्ययन हो, पहला करंथियों से पत्र अध्ययन हो और उसका पांच, फिर तो पांच, फर्स्ट करंथियों चैप्टर 9:5, पहला करंथियों से पत्र अध्ययन हो, फिर तो पांच। हम देखते हैं कि पत्र जब सेवा कार्य के लिए उतरा, हाँ जब पत्र सेवा कार्य उतरना, हाँ उस समय वो अपनी पत्नी को भी लेकर सुसमाचार के लिए कोई भी सेवा करने के लिए आगे आगे रहता था। हाँ तो अपने पत्नी बरोबर काय करायचा, पत्नीला घेऊन तो देवाच्या सेवेसाठी नेहमी पुढे राहायचा। इसीलिए प्रियो परमेश्वर पत्रस की सेवा से हमें पौलुस भी कहता है इस विषय पर कि जो विवाहित पुरुष है उन्होंने क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी को भी सेवा में लेना चाहिए। आणि पौल आपल्याला पेत्रस द्वारे म्हणतो की काय काय पाहिजे, जे विवाहित पुरुष आहेत त्यांनी आपल्या पत्नीला सुद्धा सेवेसाठी घेतलं पाहिजे। एकच संदेश निवेदक इतर देशे प्रभूचे बंधू आणि पेत्र यांच्याप्रमाणे ख्रिस्ती पत्नी बरोबर प्रवास करण्याचा आम्हाला हक्क नाही काय, आणि तुम्ही या इतर संदेश निवेदक इतर देशे संदेश निवेदक यानी जो वचन बताते हैं वो लोग, इतर देशे यानी जो प्रेरित है वो लोग, प्रभूचे बंधू और जो परमेश्वर के भाई यानी जिसे सेवक कहते हैं वो लोग, आणि पेत्र और पत्रस यांच्याप्रमाणे ख्रिस्ती पत्नी बरोबर उनके समान अपनी पत्नी को लेकर प्रवास करण्याचा आम्हाला हक्क नाही का, यात्रा कर नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते क्या, जबकि पौलुस को पत्नी नहीं थी, पौलुस को पत्नी नहीं थी, लेकिन जिन पुरुषों को पत्नी थी वो अपनी पत्नी के साथ जब सेवा कार्य के लिए जाते थे तो लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे, हा बाई को लगा घेऊन आला, एकटा जाई जाना, आणि जी पुरुष आपल्या पत्नीला घेऊन सेवा करण्यासाठी जात होते त्यावरती सगळेजण ऑब्जेक्शन उचलायचे की पत्नी करून साथ मेले तर क्यू आहे, आम्ही तो पत्रसला बोलवलं, त्याने बायकोला पोरांना सगळ्यांना कसं आणलं, पण आम्ही तो पत्रसला बोलायचो तो आपली बीबी कर आपली बच्चों को साथ मेले तर क्यू आहे, नाही नाही आणा चाहिए, ऐसे भी लोगों की मेंटॅलिटी, आणि अशी लोकांची मानसिकता असते, किसी एक को बुलाया तो उसकी फॅमिली को बुलाया जैसा होता है ना, आणि कोणा एकाला बोलवलं म्हणजे त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला बोलवण्यासारखं आहे ना, सचे खरी गोष्ट आहे। पत्रस लीडर है, पुरुष है, आणि पेत्र लीडर है, उसको सेवा के लिए बुलाया, त्याला सेवेसाठी बोलवलं, उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर जाना गलत नहीं है, आणि त्याने आपल्या पत्नीला आणि आपल्या मुलांना घेऊन जाणं चुकीचं नाही, कहते हैं ना लोगों को इतनी सोच नहीं रहती, इसीलिए पौलुस ने प्रचार किया कि परमेश्वर की सेवा करते समय जो पुरुष सेवा के लिए उतरे हैं वो अपनी पत्नी को अपने बच्चों को लेकर सेवा कर सकते हैं और सेवा में जा सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं। म्हणून पौलाने प्रचार केला की जेवढे पुरुष सेवेसाठी उतरले आहेत ते आपल्या पत्नीला घेऊन आणि आपल्या मुलांना घेऊन ते सेवा करू शकतात। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है दावते समय बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि परमेश्वर को बैल की चिंता नहीं थी परंतु उन मजदूरों की थी जो बैल के समान सेवा करते हैं, इतनी कड़ी धूप में या कठिन काम करते कष्ट करते उन
उनका ख्याल था कि उनको भी भूख है, उनको भी फैमिली है, उनको भी बच्चे है, इसलिए उनका मुंह मत बांधो। आणि देवाचं वचन म्हणतं की जे नांदणी करतात तो बैलाचं तोंड बांधू नको। का बांधू नको? कारण का देवाला बैलाची चिंता म्हणते, पण जे बैलासारखी देवाची सेवा करतात त्यांची देवाला चिंता होणार। चार वचन, नऊ का चार। आम्हाला अन्न पाणी मिळण्याचा काहीच हक्क नाही काय? सेवक आहे बोलतो, आमको खाना पिना नाही मिळणार चाहिए क्या? बहुत लोगों को लगता है लोग क्यों करते, आते देखो खाके जाते घर में, आते खाना, इन लोगों को खाना देना पड़ता है। अरे ये जिसने घर में बुलाया है उसका ड्यूटी है कि अपने घर में आए लोगों को खाना खिलाना। आणि ज्यांनी घरामध्ये बोलवलं त्यांचं कर्तव्य की जे घरामध्ये व्यक्ती आले त्यांना जेवण द्यावं। खास कर तुम जिस घर में जाते हो तुम्हारे घर में जो परोसा जाए तुम खाओ। आणि येशू खास म्हणाले की तुम्ही ज्या घरामध्ये जाता तुमच्यासमोर जे काही वाढलेलं आहे ते धन्यवाद देऊन तुम्ही खा। हा लेकिन ऐसा कुछ ऐसा जो तुम नाही कभी खाया वो नाही खा सकते हो, चलेगा। पण असं जर जे तुम्ही काही खाल्लं नाही आहे ते जर तुम्ही नाही खाल्लं तर काही नाही चालू। अगर सोचा मी मेरे सामने अगर ऐसी वस्तू रखी जो मी खाती नाही तो मी नाही खाऊंगी, मी बोलूंगी मुझे नाही चाहिए। आणि माझ्यासमोर जर अशी वस्तू ठेवली जी मी कधीच खाल्ली नाही तर मी नाही खाणार। एक भाई मुझे ऐसा ही बोला था, एक बहुमल असं म्हणाला होता, प्रभू का वचन कहता है जो सामने आएगा वो खाए खाओ। आणि प्रभूचा वचन म्हणतो समोर जे काही येते ते तुम्ही खा। मला हा लेकिन पहले खाया हुआ होना चाहिए। आणि पण मी म्हटलं पहिले खाल्लेलं असतं पाहिजे। मुझे अगर खिलाना है तो आपको पहले जानना चाहिए मैं वो वस्तू खाती हूँ की नहीं। आणि तुम्हाला जर मला चालायचं तर तुम्हाला विचार करायचं की मी ती वस्तू खाते की नाही। अगर आप मैं वो खाती नहीं वो मेरे सामने रखेंगे तो क्या फायदा। आणि जे मी गोष्टी खात नाही तीच जर गोष्ट तुम्ही माझ्या समोर ठेवली तर मी नाही खाऊंगी। मी नाही खाणार नाही बोले आप वचन तोडती आहे ते बोलत नाही तुम्ही वचन तोडत। मला पहिला वचन तुमने तोडा, पहिलं वचन तुम्ही तोडलं तुम्हारे कारण मैंने भी तोड़ा। आणि तुमच्यामुळे मी पण तोडले। तो मुझे गिराने वाले कारणीभूत आप हो आणि मला पाडणारे कारणीभूत तुम्ही आहात। तुरंत उसने इडली लागे दिए, लगे तुमने इडली आणून दिली। आपको समझा? समझ रहे? तो हम खाए अभी बहुत से लोग ऐसे वचनों को पकड़ कर हमें पाप में गिराना चाहते हैं, यानी हमें जो वस्तु हमने कभी खाई नहीं वो हम कैसे खा सकते हैं। आणि खूप लोक असं वचनाचा वापर करून आपल्याला पापात पाडू इच्छितात, पण जी गोष्ट आपण खाल्ली नाही ती आपण कशी काय खाणार? नहीं खा मैं जैसे मच्छी में बहुत सारे आइटम मच्छी में मैं नहीं खाती। आणि मच्छी मध्ये खूप सारे आइटम आहे जे मी खात नाही। बड़े का मटन मैं नहीं खाती, मटन मी खात नाही, चिकन मैं नहीं खाती, चिकन मी खात नाही। पहिले खाते परमेश्वर हमें बताता है आणि या सगळ्या गोष्टी आपको समजा। हम दास है, हम प्रभु के सेवक है, तो हमें भी खाने का अधिकार है, हम भी खा पी सकते हैं। आपके घर में आए, आपके घर में जिन्होंने मेहनत नहीं किया, आपके घर में आए मेहमान लोग खाना खा के जाते हैं, आपके घर में आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके रिश्तेदार जिन्होंने जिनके उनके द्वारा आपको कोई फायदा नहीं मिला फिर भी आप उनको खिलाते हो, तो फिर हमारे द्वारा यीशु आपको मिला, तो अगर हम आपके घर में खाकर पीकर जाएंगे तो क्या पाप हुआ? अंदर आपको लूटा यानी घर को यही पौरुष है। तुम्हाला कळालं? ज्या लोकांकडून तुम्हाला काही फायदा नाही झाला तुमच्या नातेवाईकांकडून, असे लोक त्याचा कुठे बी फायदा नाही वाटते दिसला असेल, नातेवाईकांनी तुमच्या शेजाऱ्यांनी तुम्हाला मदत केली नाही, आमच्या ख्रिस्ती सेवकांच्या द्वारे तुम्हाला ख्रिस्त मिळाला, तुमचा लाभ झाला, तुमची घरं भरली, तुमचं काम झालं, सगळं झालं, मग त्या सेवकांना तुमच्या घरात पाणी आणि खाणं खाण्याचा अधिकार नाही का? आणि आणि एकटे खूप लोकांना घेऊन येतात आणि मला पहिले खूप लोक बोलायचे की तुम्ही एकट्याच आहे कोणाला घेऊन येऊ नका, पण तिथे बोलायचं नाही माझं खाणं जायला की मी अकेली जाईल तो आणि खाणं मी कसं जरा ज्यादा लोक होते तर थोडा अच्छा लागतात आणि जेव्हाच्या वेळेला जर जास्त लोक असतील थोडं चांगलं वाटतं। मी बोला म्हणजे अकेला नाही बोलणार, म्हणून मी म्हटलं मला एकटं बोलू नका। मी आई तेरे साथ जो सेवक होगे वो लोग भी आएंगे आणि मी आले तर माझ्याबरोबर जेवढे सेवक आहेत ते येतील। तेरे लिए कुछ नहीं लाया है, मेरे लिए कि
आणकर मेरे क्लास में डाल देती है आणि ती एक सीट मधून सगळे माझ्या क्लास मध्ये टाकते है ना. तो सेवक आए हैं तो हरे का चॉइस सेवक आने का प्रत्येक चॉइस दे ना दीदी की चॉइस अलग है तो आपको दूसरे सेवकों को भी खाना है ना इसीलिए कह रहे हो क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं. पौरुष भी अकेला नहीं जाता था. पौरुष के साथ लुक होता था निर्वास होता था बहुत सारे सेवक होते थे. पौल इतना खूब सारे शिष्य होते जो पौल जब जहाज छूटा था ना तो पौलुस अकेला नहीं था. जेव्हा जहाज सुटलं होतं तेव्हा पौल एकटा नव्हता. पौलुसचे साथी लोक होते आणि पौला बरोबर सुद्धा लोक होते. शिष्य थे शिष्य होते. कोई कोई येशू को मतलब बोलते ना कोई कोई लोक बोलते ना आम्ही तुला नाही सोडणार तुला जेलर म्हणून केले आम्ही तिकीट काढून बसतो. ऐसे भी है जो पौलुस को प्यार करने वाले लोग थे आणि अशी पण ती लोक आहेत जे पौलाला प्रेम करणारे. पौलुस के कपडे धोने के लिए भी थे जो पौलुस को इतना वो प्यार करते थे क्योंकि पौलुस बूढ़ा हो चुका था और उसे वो जमता नहीं था. तो बुढ़ापे में भी उसकी सेवा करने के लिए खास जेल में लोग आते थे आणि सामान लेकर आते थे आणि पौलुस वयस्क होता म्हणून त्याची सेवा करण्यासाठी लोक जेल मध्ये सुद्धा सामान जेल में खाना नहीं था जेल मध्ये जेवण नव्हतं. मसीह लोग रोज खाना सप्लाई करते ख्रिस्ती लोग रोज त्याला जेवण पोहोचवायचे. आपको समझा समझना तो इसीलिए मसीह लोगों को जो सेवक है उनको खाने पीने का अधिकार है. अरे ख्रिस्ती लोगों ने जो सेवक है तेरा खाना पीना तो हम आपके घर में आए तो थोड़ा खर्चा हो जाएगा. जरा हमें तुम्हारे घर में जाएगा तो थोड़ा सा खर्च हो जाए. तो नेचुरली खर्चा होगा. क्यों? क्योंकि आपको हमारे द्वारा प्रभु मिला तो थोड़ा तो खर्चा आप जिन लोगों के लिए जिन्होंने आपको कुछ नहीं मिला उनसे उनके लिए करते तो हमारे लिए करना ही है. आणि खर्च होईलच कारण का आम्ही आमच्याकडनं तुम्हाला येशू भेटला ज्यांच्याकडनं तुम्हाला काही भेटलं नाही त्यांच्यासाठी तुम्ही खर्च करता तर आमच्यासाठी पण तुम्ही खर्च केला पाहिजे. इतर संदेश निवेदक इतर देशी प्रभूचे बंधू आणि पेत्र यांच्याप्रमाणे ख्रिस्ती पत्नीबरोबर प्रवास करण्याचा आम्हाला हक्क नाही काय. इतर संदेश निवेदक इतना अलग जो संदेश देने वाले लोग प्रेषित प्रेषित प्रभु के बंधु प्रभु के भाई लोग यानी सेवक लोग आणि पेत्र और पत्रस यांच्या प्रमाणे ख्रिस्ती पत्नी अपने मसीह पत्नी के साथ प्रवास करण्याचा आम्हाला हक्क नाही. हम उनके साथ यात्रा करना फॉलो के लिए जाना और या फिर फॉलो के लिए हाउ चर्च में जाना है ना या विजिट करना क्या उनको अधिकार नहीं है अपनी पत्नी को साथ लेके जाना. कर सकते हैं ना वहाँ पर वही बताया गया है. इसीलिए इसे हमें मालूम पड़ता है कि जब पत्रस क्या करने लगा अपनी पत्नी को भी लेकर सुसमाचार की सेवा के लिए आउटरीच के लिए गॉस्पेल देने के लिए फॉलोअप के लिए और हाउस चर्च के लिए हाउस ग्रुप के लिए किसी घर में अगर कोई प्रार्थना है तो उसमें वो जाता था. आणि याच्यासाठी आपल्याला समजतं की पेत्र आपल्या पत्नीला घेऊन हाऊचर्चमध्ये सुवार्थेसाठी किंवा फॉलोअपसाठी प्रत्येक सेवेसाठी तो आपल्या पत्नीला घेऊन जो पत्नी ऑलरेडी यहोवाचा भय मानते जी पत्नी पहिलेच देवाचा भय बाळगते पती चेंज हो गया आता तिचा नवरा बदलला उसके लिए वो तो और ही जाएगी ना अपने पति के साथ. आता ती अजून जास्त जाईल ना आपल्या मनाने और वो सेवा करती होगी ती अजून ती सेवा करत असेल. इसीलिए प्रियो आपको मालूम है उस काल में मसीह लोगों को बहुत सताव था. पण तुम्हाला माहिती त्या काळामध्ये ख्रिस्ती लोकांना खूप सताव होता. इसीलिए उस सताव में सबसे पहला रक्त साक्षी उसकी पत्नी हो गया. आणि त्या सतावामध्ये सर्वात पहिले रक्त साक्षी पेत्रची पाय बसले. पत्रस भाग राहता पेत्र पळत होता और वो रोम में नहीं आ रहा था. तो रोम मध्ये येत नव्हता. रोम यानी इटली में नहीं आ रहा था. रोम म्हणजे तो ये इसीलिए परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया. उन्होंने यीशु मसीह ने तेरा दर्शन दिया. अगर वो रोम में नहीं जाता तो बहुत सारे मसीह लोगों को वहाँ मार दिया जाता. जर तो रोम मध्ये गेला नसता तर खूप सारे ख्रिस्ती लोकांना तिकडे मारून टाकणार. इसीलिए जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं अब दूसरी बार ईश्वर चढ़ाया जा रहा हूँ आणि यीशु ख्रिस्ताने तेरा दर्शन देऊन म्हटले की मी आता दुसऱ्यांदा क्रूसावर चढ़ाया देतोय. पत्रस ने कहा नहीं प्रभु पेत्र म्हणाला नाही देवा मी क्रूसवर चढण्याके तयार आहे. रोम में आया पुन्हा तो रोम मध्ये आया समर्पण किया स्वतःला समर्पित केलं. जैसे पत्रस मिला सारे इस्राएल लोगों को छोड़ा गया. आणि जसं पेत्र भेटला तसं सर्व इस्राएल लोकांना पत्रस के पीछे थे कैसर कैसर के लोग ताकि पत्रस को मारना. आणि पेत्राच्या मागे होते कैसरांचे जे लोक ते पेत्राला मारून टाकले. इसीलिए बहुत सारे मसीह लोग मरले म्हणून खूप सारे ख्रिस्ती लोक मेले. नासला परमेश्वर का एक समय था वो समय पर उसका तभी उस समय उसका एज कुछ 65 तो नहीं लेकिन 85 ऐसा कुछ करीब की एज था जो AD 64 में वो मर गए पत्रस. आणि AD 64 मध्ये पेत्र मेला.
इन सब में उम्र में बड़ा पत्रस ही था आणि या सर्वांमध्ये वयाने मोठा बारा प्रेषितों में सबसे बड़ा उम्र में भी सेवा में वो ही बड़ा था आणि बारा प्रेषितांमध्ये वयामध्ये आणि सेवेमध्ये पेत्र मोठा होता 64 में उसका देहांत हो गया आणि एवढी 1400 क्रूस पर चढ़ाया गया त्याला क्रूसावरती टांगण्यात आलं सिर्फ उसने एक ही विनती की कि मेरे प्रभु के योग्यता का मैं नहीं हूँ इसलिए मुझे ऊपर मत चढ़ाना मेरा क्रूस अपनी पत्नी को प्यार करने लगा क्योंकि वो यीशु में आने के कारण उसे मालूम पड़ गया कि अपनी पत्नी से हमें कितना प्यार करना चाहिए वो पत्नी को प्यार करने लगा इसलिए जब उसकी पत्नी मर गई तो उसने उन शब्दों से उसकी उसको मतलब वो तो वहाँ नहीं था दफन विधि के लिए लेकिन उसने उन शब्दों से अपनी पत्नी को स्मरण किया कहा कि ये प्रभु के स्मरण में आज वो खड़ी है ऐसा वो शब्द निकाल कर उसने अपनी पत्नी को होता ना मूट माती देने के लिए आंखों को बंद किया आणि जेव्हा पेत्राची पत्नी मिली तेव्हा चौथ्या दिवशी तिला मुठमध्ये देण्यासाठी नरोपण देणे शब्दाच्या घरी काय केलं मुठमध्ये पेत्रा आपल्या पत्नीला खूप प्रेम करायचं आपल्या मुलांना प्रेम करायचं आपल्या सासूला सुद्धा प्रेम करायचं लक्षात ठेवा आज परमेश्वर हमें यही कहता है कि पुरुष ऐसे होने आज आपल्याला वेगळेच म्हणतो पुरुष येशू में आने के बाद पुरुष चेंज होने चाहिए येशू मध्ये आल्याच्यानंतर पुरुष बदलले पाहिजे बाद में कभी दारू नहीं आणि पेत्राने पुन्हा कधीही दारू नाही कभी वेश्याओं में और जकादारों में नहीं रहा कधी तो वेश्यांमध्ये जकादारांमध्ये नाही जो उसका गंदा स्वभाव था वो सब येशू जैसे उसके नाव में आ गया उसका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया इसीलिए जब उन्हें याजकों के सामने सभासदों के सामने लाया गया तो लोग बोले अरे ये वही लोग हैं जो यीशु के साथ थे लेकिन वो लोग कौन थे अनपढ़ आणि तेव्हा ते लोक सगळेजण म्हणाले की तीच लोक आहे जे येशू बरोबर होते पण आता ते कोण आहे अति लोक अनपढ़ आहे सामना कोई कर नहीं पाया त्याचं सामोरे कोणी जाऊ नाही शकत कोई शास्त्र मंको मालूम नहीं था आणि कोणतेही शास्त्र त्यांना माहित नाही पत्रस को पूछा ना तुझे मालूम नहीं कि बाइबल में शास्त्र में मोसेस ने ऐसा कहा है उनको ये सब मालूम नहीं था क्योंकि पत्रस उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं था आणि पेत्र हे सगळे गोष्टींमध्ये आवड घेत होता म्हणून या सगळ्या गोष्टी त्याला माहित नव्हत्या ठीक आहे आज परमेश्वर भी आपसे यही कहते आप सबको कुछ भी मालूम नहीं लेकिन अब आप मसीह में हो तो मसीह होने के नाते पत्रस की नहीं आपको बनना है येशु को प्यार करने वाला येशु के सामने अपनी फैमिली को देने वाला खर्चा करने वाला आणि तुम्ही आता ख्रिस्तामध्ये आहात म्हणून तुम्ही स्वतःच्या कुटुंबाला प्रेम करणार आणि कुटुंबाला देवाच्या सेवेसाठी पुढे करणार असं तुम्ही देवाला प्रेम करणार असं पाहिजे दुःखी बात आहे आज पत्रस का शिक्षण आहे सिर्फ 5-6 जो गौरव को पकड़ कर सिर्फ 6 पुरुष है आणि खूप दुःखाची गोष्ट आहे की आज पेत्रच शिकवण्यात येते आणि हायरोन पुरुष आहे हायरोन छुप गया था हायरोन एक छोटासा बालक लड़का है क्योंकि छोटे और भी लड़के है अनुग्रह नोहाए और शालोम है डेविड है दैनियल है अनुभव है बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं इसलिए अभी ये कैसा बड़ा बड़ा होते जा रहा है ना इसलिए मैंने उसको भी पकड़ लिया तो बालकों में आ जाते हैं तो कहने का उद्देश्य फैमिली को बहुत महत्व देना है पुरुष ने आणि कुटुंबाला खूप महत्व द्यायचं आहे पुरुषांना अभी जाके दिवेश की शादी होगी तो अपने फैमिली से फेथफुल रहे अभी भी अभी तो येशु में तो तू येशु से बहुत प्यार करना चाहिए जो बातें तू पहले करता था वो अभी येशु में नहीं करना है आणि आता तू येशूमध्ये यायचं तू तुझे येशूमध्ये यायच्या अगोदर ज्या गोष्टी करत होते त्या नाही करायचे पत्नी धर्मी होणी चाहिए आणि पत्नी धर्मी असली पाहिजे सुंदरता को बाहर की सुंदरता मत देखो असं लड़के लोग क्या देखे अच्छी दिखती है अच्छी दिखती है अरे बाबा अंदर से अच्छी होनी चाहिए बाहर से भले वो खूबसूरत नहीं होने लो कोई कोई लोग बोलेगा सोचो सूरज की अगर शादी हो गई शायद वो लड़की सुंदर नहीं होगी बोले अरे सूरज को तो बड़ा हैंडसम है तेरी बीवी इतनी खास नहीं है आणि जेव्हा जरा लग्न करायच्यानंतर खूप लोक बोलले की तुझी पत्नी एवढी खास दिसत नाही पण तू तो सुंदर आहे कभी भी हम वो बातें सुनना नहीं और मैं आपको बताती हूँ कभी भी है ना किसी भी आदमी को ऐसा कभी नहीं बोलना कि तू तो बहुत सुंदर है तेरी बीवी सुंदर है ऐसा कभी नहीं बोलना आणि कधी सोचा कोणत्याही पुरुषाला असं कधीच म्हणू नका की तू तो सुंदर आहेस पण तुझी पत्नी बिलकुल सुंदर नाही और ना ही कभी स्त्री को बोलना की अरे तू तो बुढी दिखती है तेरा पति तो बड़ा हैंडसम है आणि कधी स्त्रीला सुद्धा बोलू नका तू तो म्हातारी दिसेस पण तुझा नवरा दिसत नाही नहीं बोला इसे ना आप बोलते हो कि कुटुंब में ना जहर फैला है आणि याच्या द्वारे तुम्ही काय करता त्यांच्या कुटुंबामध्ये विष फैला जहर फैला आणि त्याच्या मनामध्ये विष कालवत आहे भले वो सुंदर नाही लेकिन अंदर से तो सुंदर आहे आणि भले ही तो सुंदर नाही पण आतमधून तो सुंदर आहे कभी कभी स्त्री बच्चों को पैदा करके जल्दी बूढ़ी हो जाती है आणि कधी कधी स्त्री मुलांना जन्म देऊन काय होते लवकर उम्र माहिती जाते उम्र दिखने लगती है लवकर तिचं वय दिसू लागतं खास करके बचपन में अगर स्त्रियों की शादी हुई होगी
तो गए वो लोग ज्यादा ही जल्दी मुझे दिखने लगती है। खास करून जर लहानपणी लग्न झाले असेल तर मग ते जास्त वयस्कर लोक बोलते समय थोडा सा ख्याल से बात करो, बोलना मेरे विचार करून बोलो। इसलिए अगर सोचो भले उसकी पत्नी उसकी जैसी सुंदर नहीं होगी लेकिन वो धर्मी तो है, वो प्रभु में है, जो प्रभु में है वो धर्मी है। आणि बरी त्याची पत्नी सुंदर दिसत नसेल पण ती तर धर्मी तर आहे, देवामध्ये तर आहे, प्रार्थना करती आहे, प्रार्थना करते, घर चलाती आहे, घर चालवते, अच्छी आहे, ती चांगली आहे। आपको समझा सबोधन गोरे विले धन के पीछे मत जाओ, आणि गोरे रंगाच्या मध्ये जाऊ नका, नाही गोरा रंग डरे जाएगा, गोरे रंग करून दे। सुंदरता हृदय की देखो, आणि सुंदरता ही हृदय से। लड़की को देखते समय लड़की कैसी है, माता पिता के आधीन है क्या, अच्छी है क्या, प्यारी है क्या, मेरा घर संभाले की क्या, ये सब देखना है। आणि मुलीला पाहताना ती आई वडिलांच्या आधीन ते नाही का, देवाचं भय वाटते का, देवाला प्रेम करते नाही, या सगळ्या गोष्टी बघायच्या आहे। बेटा गोरा आहे माझा, मला गोरा बायको पाहिजे, गोरी बायको पाहिजे, क्या गोरा वो गोरा लेके बार बार जाते है। आणि ते गोरू घेऊन बाहेर पडून जातात। काली आहे, सावळी आहे, रंगी की अच्छी आहे तो वो घर में रहेगी। आणि काळी आहे, सावळी आहे, रंगी चांगले तर ती घरात राहील। तो इसलिए प्रियो कहने का उद्देश्य रूप रंग को नहीं जाना। आज हमारा वचन पत्रस से हमें यही सिखाता है, पत्रस अपने पूरी फैमिली का उद्धार का कारण है। आणि पेत्र कारण करणार असा झाला और उसीने उसका इस्तेमाल किया गया कलीसिया बनाने के लिए और कुरनेलियस के घर में पवित्र आत्मा का लाने का साधन बना। आणि म्हणून तो मंडळी बनवण्यासाठी उपयोगाचं पात्र म्हणलं आणि कुरनेलियसच्या घरामध्ये पवित्र आत्मा उतरण्याचे साधन म्हणजे जिसका नाम पत्रस होता है ना, ज्याचं नाव पत्रस वायसी पत्रस के समान ही बनते हैं। आणि ते सगळे पेत्रासारखेच म्हणतात। जिनके जिनके बच्चे अगर पत्रस नाम है तुम्हारे तो बोलने का, तू पत्रस के जैसा है, सो बोलते जाने का, बच्चों के मन में डालकर तू डेविड है, तू डेविड के समान है, राजा के नहीं है, तू ऐसा करना, प्रभु को प्रसन्न करना, तू दयनीय है, अरे तू तो परमेश्वर को बहुत प्यार करने वाला है, ये आप बचपन से उनके मन में डालोगे ना वो वैसे ही बढ़ेंगे, वैसे ही करेंगे। आणि जर तुमच्या मुलांचे नाव पेत्र किंवा डेव्हिड किंवा शालोम असेल तर तुम्ही त्यांच्या नावाच्या जरी त्यांना सांगायचं की तुमचं बायबलमध्ये असं आहे चरित्र, तुम्हाला असंच जगायचं आहे, त्याच्यानुसार ते लोक म्हणते। अच्छा मुलांचे अरे डॅनियल तू आग खुला रखताय, बायबल का डॅनियल तू आग बंद रखताय। आणि डॅनियलचे डोळे उघडे ठेवतो, बायबलचं मात्र डॅनियलचे डोळे बंद ठेवायचे। अरे नोहा तू असं काय करतोस, जहाज बनवले ताकि उनका चरित्र भी वैसे ही बने, त्यांचं चरित्र पण तसंच बनावं। मालूम हुआ इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है, आप वैसा बनाओ उनको, बोलो अरे नहीं ऐसा नहीं करना, तू आए तुझा नाम ये ऐसा नहीं करना, डोड़े बंद कर, देखो आपको बच्चा के मन में रहेगा नहीं भी डोड़े बंद के लिए भाई मुलांच्या मनामध्ये मला माझे डोळे बंद ठेवायचे नाही बाबा माझ्या नाही नाही होणार। तो परमेश्वर आप जो उनको बता रहे हो ना उसे वो चेंज होते जाए। आणि तुम्ही जे त्यांना सांगताय ना त्याच्याद्वारे ते लोक बदलू लागतात। पत्रस अपनी फॅमिली को प्यार दिया आणि पेत्राने आपल्या कुटुंबाला प्रेम केलं, इसलिए आज वो फॅमिली पूरी स्वर्ग आहे, म्हणून ते आज पूर्ण कुटुंब स्वर्गात आहे। हालेलुया हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरा, जो पवित्र आत्मा ने भरना, पवित्र आत्मा उतारने के लिए और लोगों को भरने के लिए पवित्र आत्मा से भरने का एक साधन बना। आणि पवित्र आत्मा उतरवण्यासाठी आणि लोकांना पवित्र आत्माने भरण्यासाठी तो एक साधन झाला, पवित्र आत्मा से भर जा, म्हणून पवित्र आत्माने भरून घ्या। ही देवाची इच्छा आहे। हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो चैन में बैठेंगे कि वो भी पत्रस की फॅमिली के जैसे बने और स्वर्ग में ही जाए। आणि आज आपण प्रार्थना करू की जो भी लोक सामीमध्ये बसणार आहे, जेवढे कुटुंब बसणार आहे, ते पेत्रासारखं बनावं आणि पेत्रासारखं पूर्ण कुटुंब जितनी फॅमिलीज मी देख रे आणि जेवढे कुटुंबाला आपण पुढे पण बघणार आहोत, मोस्टली रक्तसाक्षीवाली आहे, ते सगळे रक्तसाक्षीवालेच आहेत। तर मग आपको ऐसा नहीं अनुभव प्रभु जिसको चुना है वही होता है, हर एक जन नहीं होता है। आणि प्रत्येक जण रक्तसाक्षी होत नाही, पण ज्याने देवाने ज्याला निवडले तोच रक्तसाक्षी होतो। साखळी बनाएंगे आपण, साखळी बनवायचं। पवित्र पवित्र गुरु नाम में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ प्रभु। पवित्र पिता हमें सात फैमिली को आपके हाथ में ले दे, आज सात फैमिली प्रभु आपके इस चेन में बैठी है प्रभु, इन सातों कुटुंब को हम तेरे हाथों में दे दे। पवार कुटुंब, डोले कुटुंब, सूर्यवंशी कुटुंब, सतपुते कुटुंब, सीन कुटुंब,
मीरा कुटुंब और प्रभु शोभा मौसी कुटुंब, प्रभु इन सातों कुटुंबों को आपके हाथ में देके आप इस कुटुंब का मालक चालक अधिकारी है प्रभु। जैसे पत्रस को प्रभु पवित्र पिता आपने चुना, भले वो बहुत बुरा था लेकिन पवित्र पिता बाद में वो ऐसा एक साधन बना जो कलीसिया का पहला पत्थर बन गया। आज मेरी ये विनती है प्रभु, पवित्र पिता दीपेश पवार और प्रभु दीपक पवार, ये विजय ढोले, प्रभु अशोक सूर्यवंशी, हेमंत सातपुते और प्रभु पवित्र पिता रमेश सिंह और प्रभु पवित्र पिता मीरा मौसी के जवाई और प्रभु शोभा मौसी का लड़का, ये सभी लोग प्रभु ऐसी पत्रस की नहीं यीशु को पीछे चलने वाले, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर आखिर में अपना प्राण भी यीशु के लिए देने वाले, ऐसे होने के लिए मदद कर। यीशु के नाम से अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आने के लिए मदद कर। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग काम छोड़े, परंतु जो उनका गंदा काम समाज जिस बातों में वो रह रहे वो सब छोड़कर जैसे पत्रस आपके पीछे चला ऐसे ही होने के लिए मदद कर। और आज पत्रस की पूरी फैमिली प्रभु स्वर्ग में है, वैसे ही मेरे जीवन देने वाले उदाहरण पवित्र पिता ये भी पूरे पवित्र पिता अपनी पूरी फैमिली के साथ स्वर्ग में जाए, ये मेरी प्रार्थना है। इसलिए सबसे पहले प्रभु हम दीपक पवार फैमिली के लिए प्रार्थना करते, यीशु के नाम से उनको प्रार्थना करते, खास करके प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता हम दीपेश के ऊपर प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लोगो यीशु के नाम से लगाकर पवित्र पिता हम प्रार्थना करते मेरे उद्धार देने वाले पवित्र पिता पत्रस की नाई बनने के लिए यीशु के पीछे चलकर अपना क्रूस उठाकर यीशु से बहुत प्यार करने वाला होने के लिए मदद करना। जैसे प्रभु पवित्र पिता पत्रस की नाव में आप बैठे और प्रभु उसका जीवन बदल गया, वैसे ही दीपेश के नाव में आप बैठ जाओ प्रभु और दीपेश का जीवन बदल दो। दीपेश एक अच्छा मसीह का चरित्र बनने के लिए और उसके कारण उसके पिताजी और पवित्र पिता उसकी पूरी फैमिली बदलने के लिए और मसीह की सेवा करने वाले होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। मेरे मान पवित्र पिता हम प्रार्थना करते और दीपक पवार भाई के लिए भी प्रार्थना करते यीशु के नाम से, उनके जो बंधन है वो पूर्वजों से उनके ऊपर उतरे समाज का डर वो सब यीशु के नाम से तोड़ देते। और पवित्र पिता यीशु मसीह में पवित्र पिता हम आशीष निकले रहते हैं, यीशु मसीह इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष इन्हें मिले, ये वचन रखकर प्रभु इनके ऊपर उतरा हुआ सारा पूर्वजों का श्राप यीशु के नाम से तोड़ते, इनके घर में फैमिली न बनना, जल्दी पुरुष मर जाना, फैमिली में गड़बड़ी होना, ये सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़कर पवित्र पिता आज से हम इस फैमिली को ब्लेस करते हैं। ये फैमिली बनेगी, दीपेश की फैमिली बनेगी, दीपेश से बहुत बच्चे जन्म होगी प्रभु और पवित्र पिता इनका घर नाकी गोदों से भर जाएगा प्रभु। हम धन्यवाद देते मेरे राजा प्रभु दीपक पवार भी एक अच्छा मसीह का चरित्र बनने के लिए और आपको प्यार करने वाला और यहीं पर बैठकर आपकी आराधना करने वाला बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। सारा जू जो संसारी के तोड़कर मसीह का हम घोषित करते प्रभु, धन्यवाद देते पवित्र पिता। हम अब्राहम की सारी आशीष प्रभु यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता उनके ऊपर रखकर उन्हें आशीषित करते प्रभु, धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लोग इस घर के ऊपर लगाकर पवार कुटुंब को आशीषित करते प्रभु। और पवित्र पिता इनके घराने का उद्धार होना, इनके विश्वास रूपी जहाज में जितने जनों को इन्होंने चढ़ाया है विश्वास से उन्हें अपने नाव में बिठाया है वो सभी उद्धार पाकर स्वर्ग में जाने के लिए सहायता करें। हम यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करते हैं, ये फलवंत हो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो यीशु के नाम से, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनानी पिता प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु विजय डोले के लिए प्रभु और प्रभु सुशीलताई के लिए और मेरे मान पवित्र पिता रानी डोले के लिए इस कुटुंब को हम यीशु के नाम से आशीषित करते प्रभु। विजय डोले के ऊपर आया हुआ पाप का बीमारी का शैतान का सारा अधिकार यीशु के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते और पवित्र पिता पूर्वजों से उतरे हुए सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर आज से इस कुटुंब को हम जोड़े रखते और प्रभु जो कर्ज है इनके ऊपर सारा कर्ज यीशु मसीह पर डालते हैं, जो बीमारी का कर्ज है प्रभु ये लोग घर में हमेशा बीमार रहते हैं सब यीशु के नाम से, इनके अंदर डर इनके विजय भाई में भी डर इनमें भी डर हमेशा डरे रहते हैं, सारा कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और इस फैमिली को आज स्वतंत्र करते, पूरी फैमिली मसीह की फैमिली बनकर पत्रस की नाई बनकर मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए प्रार्थना। हमारे सर्व सामर्थ्य लोग इस फैमिली को लगा अब्राहम की सारी आशीष यीशु मसीह में इन्हें मिलेगी।
मेरे राजा मेरे मन पवित्र पिता बागेश्वरी के ऊपर पूजा के ऊपर प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते और जैसे ही सर्व सामर्थ्य लहू इस फैमिली के ऊपर लगाए पवित्र पिता पत्रस की नहीं आपके पीछे चलने के लिए और जैसे पत्रस की पूरी फैमिली सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे वैसे ये फैमिली भी प्रभु आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। इस फैमिली के ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़कर ये बलवंत होने के लिए फलद्रुप होने के लिए बहुगुणित होने के लिए प्रार्थना करते और पृथ्वी के अधिकारी हो ये हम घोषित करते आपका सर्व सामर्थ्य लहू यीशु के नाम से इस फैमिली के ऊपर लगा इन्हें आशीषित करते अब्राहम की सारी आशीष यीशु मसीह ने ली उनके पूर्वजों में जो भी श्राप जो भी बंधन है वो सब आज इनको ऊपर से तोड़कर पवित्र पिता मृत्यु का अधिकार तोड़कर गरीबी का अधिकार तोड़कर आज से इन्हें आशीषित कर और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना उसी रीति से प्रभु ढोले कुटुंब भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना ये कुटुंब भी प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना और दूसरों के लिए पवित्र आत्मा से भरने का साधन बन पाए पवित्र पिता ये हम विनती करते यीशु के लहू से कवर करते ये फैमिली जुड़ी रहे ये कभी भी अलग नहीं धन्यवाद देते हैं इनके नाव भी यीशु है हमें जितने जनों को अपनी इस नाव में प्रभु चढ़ाया है वो भी यीशु मसीह में हो जाए धन्यवाद देते हैं मेरे राजा मेरे मान पवित्र पिता हेमंत सातपुते कुटुंब के लिए और प्रभु पवित्र पिता उनकी पत्नी के ऊपर उनकी बेटी के ऊपर प्रभु यीशु का लहू लगाकर प्रभु हम आशीष घोषित करते और पवित्र पिता पत्रस की नहीं हमेशा सेवा के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ सेवा कर रहा था वैसे ही प्रभु ये भी अपनी पूरी फैमिली के साथ सेवा करते हुए आपके राज्य में जिए इनके ऊपर भी उतरा हुआ पूर्वजों का पड़ोसी पड़ोसियों का श्राप या किसी का हाय या बुरी नजर ये सब हम यीशु के नाम से तोड़ देते और इस कुटुंब को प्रभु हम ब्लेस करते और ये कुटुंब पत्रस की नहीं आशीषित होकर प्रभु सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन पाए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते और दूसरों को भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए साधन हो ये हम विनती करते प्रार्थना करते आज प्रभु इस कुटुंब के नाम में जुड़े था इस कुटुंब का पिता परमेश्वर हुए था तू इन्हें जोड़ा है इसे कोई अलग नहीं कर सकता इन्हें हमेशा शांति रखना धन्यवाद देते जैसे पत्रस उसकी पूरी फैमिली आज स्वर्ग में एक दिन ये भी अपनी पूरी फैमिली के साथ स्वर्ग में रहे धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता हम प्रभु मनीषा सिंह कुटुंब के लिए प्रार्थना करते मेरे राजा यीशु प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता हम मनीषा सिंह के ऊपर लगाते प्रभु उसके पति रमेश सिंह यीशु के राज्य में पत्रस के जैसे बनने के लिए और पूरे दिल से प्रभु की सेवा करने वाला ऐसा दास बनने के लिए हम प्रार्थना करते पत्रस की नई चरित्र आने के लिए जो प्रभु परमेश्वर का अनुकरण करने वाला होने के लिए सहायता करना हम पत्रस पवित्र पिता रमेश सिंह के लिए प्रार्थना करते उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते ये सब विश्वास रूपी जहाज में चल चुके हैं इसके घर में हमेशा उद्धार होने के लिए मदद करें इसके फैमिली के ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ दें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करें और प्रभु तू इनके नाव में है इसलिए ये नाव कभी डूबेगी नहीं न कभी डगमगाएगी प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से आशीषित कर अब्राहम की सारी आशीष और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे मान पवित्र पिता हम मीरा मौसी के लिए प्रार्थना करते आपका सर्व सामर्थ्य लहू उनके ऊपर लगाकर इन्हें आशीषित करते और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर करुणा दया मांगते आपका छेदा हुआ हाथ मांगते और पवित्र पिता जैसे इनका उद्धार हुआ वैसे ही प्रभु उनके बेटियों का जवाइयों का उद्धार होने के लिए और प्रभु सब लोग की जिंदगी में यीशु ये चरवाहा बनकर इनकी जिंदगी में राज्य करने के लिए सहायता करें अब्राहम की सारी आशीष इन्हें मिले इनके पूर्वजों से उतरे हुए सारे श्राप इनकी फैमिली के ऊपर से तोड़ देते और इन्हें आशीषित करते और अब्राहम की सारी आशीष मिले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना शोभा मौसी के ऊपर भी प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते प्रभु पवित्र पिता उन्हें आशीषित करना प्रभु पवित्र पिता उनका नाथ हुए उसको भी आशीषित करना परिवर्तन होने के लिए मदद करना क्या तूने पत्रस का परिवर्तन नहीं कराया वही परमेश्वर है जो इनके नातों का भी परिवर्तन कराएगा यीशु के नाम से वो चेंज होने के परिवर्तन होने के लिए एक नया अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए सहायता इनके नाम में तो इनके ऊपर उतरा हुआ इनके कुटुंब के ऊपर उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ कर पवित्र पिता इन्हें आशीषित कर दे और यीशु की आशीष मिलने के लिए प्रार्थना इन्हें आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले रखें
इनकी ढाल तो इनका कवच इनका प्रभु इनका स्वामी धन्यवाद देते हैं। अब्राहम की सारी आशीष इन्हें मिले, करुणा की कृपा के पंखों में सुधर सदा सुरक्षित। इस चैन में जितने लोग हैं प्रभु, इन सभी लोगों के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आशीष घोषित करते हैं। ये प्रभु ऐसी जंजीरों में है प्रभु जो एकता की वसीयत पर पवित्र पिता पिता पुत्र मोहित आत्मा के सामर्थ्य की प्रभु ये जंजीर पकड़ कर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर यहाँ तक छोटे बच्चे भी अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर दर्शा रहे कि हम मसीह के हैं और एक ऐसे सोल्जर है जो इस कुटुंब के लिए मध्यस्थी करने वाला है। इसीलिए जो दूसरों की सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, यीशु के नाम से इन सभी की सींची जाएगी। और प्रभु कोई तो पिता इनके घर का एक एक पुरुष पत्रस की नहीं होगा, पत्रस जैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ उसकी फैमिली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। 120 लोगों में पत्रस की फैमिली भी बैठी रही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। वैसे ही प्रभु ये सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, इनके घर का पुरुष भी प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और दूसरों के लिए साधन बने पवित्र आत्मा से। हम आपके हाथ में लेते अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा जाए, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जाए, अभी इसी घड़ी बल से उतरे, अभी इसी घड़ी एक एक के ऊपर प्रभु धन्यवाद देते, अभी इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से मिले जाए, अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा अभी इसी घड़ी इन सबके ऊपर बल से ऊपर इन सारी फैमिलीज के ऊपर इन जितने चैन में उन सबके ऊपर पवित्र आत्मा आओ पवित्र आत्मा बल से उतर पवित्र आत्मा अभी इसी घड़ी दीपक पवार फैमिली के ऊपर एक एक के सदस्य के ऊपर पवित्र आत्मा भर जाओ। आ जाओ पवित्र आत्मा इनके नाम में आ जाओ, इस फैमिली के नाम में आ जाओ और इन्हें चलाओ इनकी रक्षा करो। अभी इसी घड़ी प्रभु ढोले कुटुंब के अंदर भी पवित्र आत्मा आ जाओ, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आ जाओ, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा ढोले कुटुंब में आकर उनके घर में आकर उनकी जिंदगी में आकर प्रभु इनके घर में पवित्र आत्मा मंडला सारी अनक्लीन स्पिरिट को दूर कर। पवित्र आत्मा आ जाओ यीशु के नाम से सूर्यवंशी की फैमिली में आ जाओ पवित्र आत्मा, अभी इसी घड़ी बल से उतर यीशु के नाम से आ जाओ पवित्र आत्मा और उनको भी भर दो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भर जाओ अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा सातपुते फैमिली में आ जाओ, अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा रमेश सिंह फैमिली में आ जाओ, मीरा मौसी की फैमिली में पवित्र आत्मा आ जाओ, शोभा कुटुंब में प्रभु शोभा मौसी के कुटुंब में प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आ जाओ। हम सब जितने जने अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा से भर ले अभी इसी घड़ी प्रभु पवित्र आत्मा मंडला पवित्र आत्मा मंडला हर एक के ऊपर भर दो पवित्र आत्मा, हर एक का जीवन आपके सामर्थ्य से भरने पाए आपका अभिषेक अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य का अभिषेक होने पाए एक एक के ऊपर एक एक पुरुष के ऊपर प्रभु यीशु का लहू लगा दे। धन्यवाद देते आपके सामर्थ के लिए आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए प्रभु, वो पवित्र आत्मा जो दुष्टात्मा से शैतान से जो सताए हुए थे उन्हें चंगा करता है भला करता जाता है, वही पवित्र आत्मा आज इन सब में हम सब में जो हमारे द्वारा कार्य करेगा कार्य कर पवित्र कार्य कर पवित्र तेरे कार्य होने पाए प्रभु तेरे कार्य हमारे के जिंदगी में होने पाए। धन्यवाद देते आपके सर्व सामर्थ्य लोग तलेगा आगे का पूरा समय आपके हाथ में सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव आपको देते एक दिन प्रभु दीपक पवार प्रभु विजय ढोले पवित्र पिता यीशु के नाम से अशोक भाई और पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर रमेश सिंह और प्रभु मीरा मौसी के जितने जवाई है वो और पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर शोभा मौसी का नातू और हेमंत साहब को दे ये सभी प्रभु तेरे पवित्र भवन में सेवा के लिए और आराधना करने के लिए आपके पीछे चलकर क्रूस उठाकर चलने वाला जन बनने के लिए हम ये देखेंगे प्रभु एक दिन होगा इस चैन के बीच में जितने पुरुष नहीं है वो एक दिन होंगे यहाँ आज वो
नहीं दिख रहे, इतने दिन से वो लोग भी नहीं थे, लेकिन एक दिन वो लोग इधर आएंगे और यहीं पर सेवा करते रहेंगे, आप उन्हीं के पीछे चलते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं, सबको यीशु के नाम से कवर करते, प्रभु यीशु के नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और हम सब कहे सियोन प्रेयर ट्रस्ट। इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 5472200048164। कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच, आईएफसी कोड है कैपिटल CNRB 0015476। धन्यवाद।